अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो बड़ा लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो है वो इवेंट्स लेडर टू माइग्रेशन का टॉपिक स्टार्ट किया, और अब हमने जो है वो उसको प्लेजेस ऑफ अकाबा का भी नाम दिया था, जिसमें हम अभी तक फर्स्ट प्लेज तक नहीं पहुंचे थे, लेकिन उससे पहले पहले की हमारी काफी गुफ्तगू हो गई। सो आई एम गोइंग टू गिव यू अ क्विक रिवीजन, एक दुरूद पढ़ने के फौरन बाद हम रिवीजन करेंगे, और रिवीजन के बाद मैं आपको जब कनेक्ट करूंगा इन्फॉर्मेशन के साथ, तो प्लेजेस ऑफ अकाबा, उसके बाद माइग्रेशन में जब तक हजरत मोहम्मद इज नॉट गोइंग टू डिपार्ट फ्रॉम द सिटी ऑफ मक्का फ्रॉम मदीना, तब तक की जो है गुफ्तगू जो हमने आज करनी, और उसके साथ के जितने भी पास पेपर से प्लस होमवर्क आज मैं आपको दूंगा। तो एक बार दुरूद पढ़ लेते हैं इंशाल्लाह, उसके बाद जो है वो गुफ्तगू स्टार्ट करते हैं। اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد। अच्छा, मैं आपको ये बता रहा था कि हमारे पास दो तीन तरह के माइग्रेशन के क्वेश्चन है, एक है लेटर टू माइग्रेशन, एक है इवेंट्स ऑफ माइग्रेशन, और एक है इवेंट्स फॉलोड बाय माइग्रेशन। लेटर टू माइग्रेशन का मतलब है माइग्रेशन से पहले की कहानी लिखो, इवेंट्स ऑफ का मतलब है माइग्रेशन की कहानी लिखो, इवेंट्स फॉलोड बाय का मतलब है माइग्रेशन के बाद की कहानी लिखो। तो लेटर टू इवेंट्स ऑफ और फॉलोड बाय में जो फर्क आ रहा है, वो फॉलोड बाय तो माइग्रेशन की बात की है, जो ओवरलैपिंग है मार्किंग स्कीम की वो लेटर टू की और इवेंट्स ऑफ की है। तो जब लेटर टू का क्वेश्चन आएगा तो हमने उसके बारे में ऐसे बात की थी, लेटर टू के आंसर में कॉजेज के मार्क्स ज्यादा हैं, इवेंट्स के मार्क्स कम हैं, आंसर खत्म होगा प्रॉफिट मोहम्मद सल्लम के डिपार्चर फ्रॉम मक्का पर, जो कि हमारा आज का आंसर है, और आज डिपार्चर तक ही हम लोग जो है वो आंसर अपना खत्म करेंगे। लेकिन जब हम जो है वो वेरी नेक्स्ट क्लास फ्राइडे में जब बात होगी तो फिर आएगा इवेंट्स ऑफ का आंसर, इवेंट्स ऑफ के आंसर में कॉजेस के मार्क्स कम हैं यानी 30%, इवेंट्स के मार्क्स ज्यादा हैं, और आंसर खत्म होगा प्रॉफिट के अराइवल एट मदीना पे। तो आज का जो आंसर है उसमें केव्स और उसके फर्दर जितने भी इवेंट्स हैं वो कवर अप नहीं होंगे। फिर मैंने आपको जो है उसकी मार्किंग स्कीम भी बताई कि यार इसमें मार्किंग स्कीम में कॉजेस 7 मार्क्स के और इवेंट्स जो है वो 3 मार्क्स के हैं, तो हमने मार्क्स स्कीम भी इसकी डिजाइन कर ली थी, और हमने पहले फ्रेम पे बात की कि यार आंसर शुरू होना चाहिए बॉयकॉट से और खत्म होना चाहिए प्रॉफिट्स डिपार्चर फ्रॉम मक्का पे, जैसे ही हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज गोइंग टू बी लीविंग द सिटी ऑफ मक्का अकंपनीड बाय हिज चाइल्डहुड फ्रेंड अबू बकर सिद्दीक लीविंग हिज कजन हजरत अली बिहाइंड ऑन हिज बेड एज अ टीकवाय, तो ये आंसर खत्म होता है। अब यहाँ पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है बॉयकॉट से डिपार्चर तक के मार्क्स हैं, तो अब कोई बच्चा बॉयकॉट से शुरू करे या बॉयकॉट से पहले से उसकी अपनी मर्जी है, बस ये याद रहे कि फर्स्ट स्कोर उसको बॉयकॉट में मिलेगा, उससे पहले के इवेंट्स के मार्क्स नहीं, तो ज्यादा तफसील में बात ना करें। डिपार्चर के बाद के मार्क्स नहीं तो कोई कंक्लूसिव स्टेटमेंट लिख रहा है 2-3 लाइन का होना चाहिए, उससे ज्यादा बात ना करें। तो अब ये भी जानना जरूरी है कि इसमें बॉयकॉट हो या ताइब हो, ये बहुत डिटेल्ड इवेंट्स हैं, एग्जाम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे ज्यादा वैल्यू किसको करता है, तो वो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको कॉजेज की समझाई थी कि देखो बॉयकॉट बहुत डिटेल्ड एक इवेंट है, इट वॉज ऑफ अराउंड 3 ईयर्स, लेकिन बॉयकॉट को सिर्फ कनेक्ट करना है, तफसील से बात नहीं करनी, बॉयकॉट का 1 मार्क है। फिर ईयर ऑफ ग्रीफ वैसे ही शॉर्ट इवेंट है, ताइब को भी कनेक्ट करना है, आउटलाइन करना है, ताइब के बारे में डिस्क्रिप्टिव अकाउंट नहीं देना। सबसे ज्यादा जो इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी वो प्लेजेस ऑफ अकाबा की थी, और प्लेजेस को ही आज हमने डिस्कस करके याद करना है, तो टाइपिंग बजा जोर रखिएगा। अब जब मैं क्लासेस में लोगों को कैंपस पढ़ा रहा हूँ तो मैं चीजें बकायदा पूरी याद करवा के आगे बढ़ रहा हूँ, थोड़ी क्लास भले स्लो हो रही है लेकिन ये श्योरिटी है कि हर किसी को याद हो रहा है। ऑनलाइन में आपको याद मजबूती से रखना है और करना है, सिर्फ टाइपिंग की हद तक उसको ना रखें, मेक श्योर दैट व्हाटएवर आई एम यू नो मेकिंग यू टू मेमोराइज, डू मेमोराइज इट प्रॉपर्ली, या फिर अगर उस वक्त कच्चा पक्का है तो बाद में रिकॉर्डिंग फिर सुन लिया करें। So anyways, soon after the lifting of boy, when Quraysh could not stop Prophet and his followers and the growth of Islam, they boycotted Prophet and his followers socially and financially in 7th year of prophethood. Soon after the lifting of boycott, Hazrat Abu Talib died. Abu Talib ki kitne mahine ke baad Hazrat Khadija ka intiqal hua? Ab jaldi zara chukanne ho jao, jawab mujhe fauran chahiye. Abu Talib ki kitne arse ke baad Hazrat Khadija ka intiqal hua? 4 months later, Hazrat Khadija died. And Hazrat Khadija ki death ke baad, the year became to be known as a year of grief because Prophet beyond thoroughly was grieving. अब अबू तालिब की डेथ के बाद जो है वो एक शख्स ने प्रॉफिट को ट्रैवल प्रोटेक्शन दी थी, जल्दी से उसका नाम बता दो। अबू तालिब की डेथ के बाद एक शख्स ने ट्रैवल प्रोटेक्शन दी थी, उसका नाम था अबू लहब। आगे हमने क्या याद किया है, अबू लहब ने जो प्रोटेक्शन डिक्लेयर की थी नाम की थी, काम की नहीं थी, इट वॉज यूज फॉर प्रॉफिट। तो हजरत मोहम्मद मक्का में अनसेफ थे, सो प्रॉफिट हैड गॉन टू द सिटी ऑफ ताइफ। नबी इस्लाम ने टाइप में जो प्रीचिंग की अटेम्प्ट की तो पीपल ऑफ टाइप इंसल्टेड हिम, रिजेक्टेड हिम, परसिक्यूटेड हिम एंड दे एक्साइल्ड हिम फ्रॉम द सिटी ऑफ मक्का, फ्रॉम द सिटी ऑफ टाइप सॉरी। सो प्रॉफिट केम बैक टू द सिटी ऑफ मक्का। अगर आपको याद हो हजरत मोहम्मद मक्का से अगर जा चुके थे तो मक्का में वापस एंट्री नहीं मिल सकती जब तक प्रॉफिट को प्रोटेक्शन या इम्यूनिटी ना मिल जाए। तो जिस शख्स ने प्रॉफिट को इम्यूनिटी दी थी उनका पूरा नाम याद करना है, अल मुतीम बिन आदि लिख के भेजो मुझे। जो पर्सन हो गए प्रोटेक्शन टू प्रॉफिट, इज नेम इज अल मुतीम बिन आदि।
सो आज क्योंकि प्रॉफिट की असैसिनेशन का प्लान आएगा, जब तक अल-मुतीम की प्रोटेक्शन प्रॉफिट के पास है नबी अलैहिस्सलाम की असैसिनेशन नहीं हो सकती है। 3 साल बाद 622 एडी में जो आज ही के टॉपिक का हिस्सा है अल-मुतीम की डेथ हो जाएगी, उसके बाद द पीपल ऑफ कुरैश आर गोइंग टू मेक अ प्लान टू किल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल-मुतीम बिन आदी ने जो प्रोटेक्शन दी थी, अल-मुतीम वाज अ पॉलीथीस्ट, सो प्रॉफिट वाज डेफिनेटली प्रोटेक्टेड इन द सिटी ऑफ मक्का, लेकिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में प्रीच नहीं कर सकते। अल-मुतीम पॉलीथीस्ट है, ऑब्वियसली ही कैन फुलफिल द प्रॉमिस ऑफ गिविंग प्रोटेक्शन टू प्रॉफिट, लेकिन अल-मुतीम प्रॉफिट को आइडल वर्शिपिंग के अगेंस्ट तो बात करने नहीं देंगे। तो यस, प्रॉफिट वाज सेफ इन मक्का, बट प्रॉफिट वाज नॉट अलाउड टू प्रीच एट मक्का। तो हजरत मोहम्मद ने डिसाइड किया कि अब प्रॉफिट अपनी स्ट्रेटजी चेंज करेंगे और हजरत मोहम्मद जो है वो मक्का के बाहर एक जगह पर प्रीचिंग करेंगे, उस जगह का नाम है अकाबा। क्या नाम है भाई? अकाबा। अब अगर भूल गए तो मैं एक बार इसका रिमाइंडर करा दूं। मीना कहाँ है? काबा से। मीना कहाँ है? काबा से 3 माइल्स के डिस्टेंस में। मीना में क्या है? वैली ऑफ अकाबा। और क्या है? जमरात। जमरात क्या होते हैं? शयातीन। कितने होते हैं? 3। नाम क्या है? सुगरा वस्ता उकबा उर्फ शहबाज शरीफ नवाज शरीफ जरदारी। जमरात पर क्या करते हैं? रमी। रमी क्या, रमी क्या होती है? स्टोनिंग द डेविल। स्टोनिंग द डेविल्स की डेट्स क्या हैं? 10, 11, 12 और 13 जिलहज को क्या बोलते हैं? डेज ऑफ तशरीक। अब मैं आज के आंसर में तशरीक का वर्ड लिखवाऊंगा तो उस वक्त भी परेशान मत होना। 10th, 11th, 12th और 13 जिलहज को हम क्या बोलते हैं? डेज ऑफ तशरीक। तो हजरत मोहम्मद अकाबा में प्रीच करें। अब देखो एक बात बेटा, मेरा बच्चा, अगर छोटी छोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर कोई शख्स ये कहे कि फ्रॉम 10th till 13th ईयर प्रॉफिट इन्वाइटेड पिलग्रिम्स टुवर्ड्स इस्लाम, तो ये आंसर इनकम्प्लीट है, क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद पिलग्रिम्स को इन्वाइट करें, यस इट इज अ करेक्ट आंसर, लेकिन हजरत मोहम्मद लोकल पिलग्रिम्स को इन्वाइट नहीं कर सकते। प्रॉफिट इन्वाइट करेंगे फॉरनर पिलग्रिम्स को। लोकल पिलग्रिम्स जो होंगे वो तो अबू जहल को बता देंगे। तो प्रॉफिट मोहम्मद ने इन्वाइट किया किसको? फॉरनर पिलग्रिम्स को। तो हजरत मोहम्मद फॉरनर पिलग्रिम्स को इन्वाइट करेंगे, लेकिन फॉरनर पिलग्रिम्स को प्रॉफिट मक्का में इन्वाइट नहीं कर सकते, क्योंकि फिर वहां पर अबू जहल के सामने चीजें एक्सपोज हो जाएंगी। तो फॉरनर पिलग्रिम्स को इन्वाइट करेंगे मक्का के बाहर। और फॉरनर पिलग्रिम्स मक्का के बाहर कब मिलते हैं? ड्यूरिंग माइनर पिलग्रिमेज, नहीं ड्यूरिंग मेजर पिलग्रिमेज। माइनर पिलग्रिमेज हज असगर उमरे को बोलते हैं, मेजर पिलग्रिमेज हज अकबर हज को बोलते हैं, जो जिलहज के महीने में होता है। सो अगर कोई ये बोले प्रॉफिट इन्वाइटेड फॉरनर पिलग्रिम्स आउटसाइड मक्का, तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर कुछ ऐसे लिख दे प्रॉफिट इन्वाइटेड फॉरनर पिलग्रिम्स आउटसाइड मक्का ड्यूरिंग द सीजन ऑफ हज एट मीना या एट अकाबा, तो ये बहुत कंप्लीट बात है, जबकि इसमें सिर्फ 2 या 3 वर्ड्स ऐड हो रहे हैं। हजरत मोहम्मद ने फॉरनर पिलग्रिम्स को इन्वाइट करना शुरू किया तो 10th ईयर जो था वो कन्वर्जन के हिसाब से बहुत अमेजिंग था, लेकिन 10th ईयर प्रॉफिट के ऑब्जेक्टिव के हिसाब से बहुत अमेजिंग नहीं था। सो आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस क्लास कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ का एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है वो ये, हजरत मोहम्मद वॉन्टेड टू एस्टैब्लिश ए सेपरेट इस्लामिक स्टेट। आपको एक इस्लामिक स्टेट एस्टैब्लिश करनी है, और इस्लामिक स्टेट एस्टैब्लिश करने के लिए प्रॉफिट को 2 चीजें चाहिए। अब बेटा याद कर लो इसको, अगर भूल गए तो। इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए प्रॉफिट को 2 चीजें चाहिए, सेपरेट लैंड एंड मेजोरिटी मुस्लिम पॉपुलेशंस। इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए प्रॉफिट को 2 चीजें चाहिए, लिख के भेजो जब याद हो जाए, सेपरेट लैंड एंड मेजोरिटी मुस्लिम पॉपुलेशन। इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए प्रॉफिट को 2 चीजें चाहिए, बताइए। सेपरेट लैंड एंड मेजोरिटी मुस्लिम पॉपुलेशन, सेपरेट लैंड एंड मेजोरिटी मुस्लिम पॉपुलेशन, सेपरेट लैंड एंड मेजोरिटी मुस्लिम पॉपुलेशन, मेजॉरिटी मुस्लिम पॉपुलेशन। जब 10th ईयर में प्रॉफिट प्रीच कर रहे थे तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रीचिंग का मकसद सिर्फ कन्वर्जन नहीं था। अब अगर प्रॉफिट प्रीच करेंगे तो प्रॉफिट प्रीचिंग, अगर कोई शख्स कन्वर्ट होगा तो प्रॉफिट उसको इनकरेज करेंगे, उसको कहेंगे टू प्रमोट द रिलीजन इस्लाम इन हिज टाउन इन हिज सिटी। अगर वो शख्स अपने इलाके में जाके प्रीचिंग करेगा तो मुसलमान फर्दर जब कन्वर्ट होंगे तो इसका मतलब ये कन्वर्जन अब क्या होगी? मल्टीप्लाई। और अगर एक ही इलाके में मुस्लिम्स मल्टीप्लाई होते रहे तो वो एरिया में मेजॉरिटी मुस्लिम पॉपुलेशन होने के चांसेस होंगे, और फिर वो एरिया बन सकता है सेपरेट इस्लामिक स्टेट। तो हजरत मोहम्मद ने 10th ईयर में प्रीचिंग की, ही वॉज रिजेक्टेड बाय ऑल ट्राइब्स एंड इंडिविजुअल्स एक्सेप्ट ऑफ अ फ्यू इंडिविजुअल्स, लेकिन तमाम इंडिविजुअल्स से प्रीचिंग और कन्वर्जन तो हुई लेकिन मल्टीप्लीकेशन नहीं हो सकी। तो कुछ लोग फौत हो गए, कुछ लोग प्रोसिक्यूट हो गए, और कुछ लोग इन्फ्लुएंस नहीं कर सके। तो 10th ईयर कन्वर्जन हुई थी अकाबा में, लेकिन 10th ईयर में हमारे पास जो है मल्टीप्लीकेशन नहीं हो सकी। 11th ईयर में एक उम्मीद आई, क्योंकि 2 ट्राइब्स से, एक का नाम था औस और दूसरे का नाम था खजरज, दोनों राइवल्स से। हजरत मोहम्मद सल्लम को इनका लैंड चाहिए, इनका इनकी सिटी चाहिए थी, और प्रॉफिट पियान को इनकी जो है वो मेजोरिटी पॉपुलेशन का सपोर्ट चाहिए था। इनको प्रॉफिट से क्या चाहिए था? एक लीडर। तो ये बात मैंने आपको समझाई थी, औस खजरज के बीच में सिवियर राइवलरी थी, उस सिवियर राइवलरी को खत्म करने के लिए इनको चाहिए था एक न्यूट्रल लीडर,
जो उनमें दोस्ती, जो उनकी राइवलरी खत्म करवाए, उनमें दोस्ती बढ़ाए और बढ़ा दे मोहब्बतें, जो उनकी राइवलरी खत्म करवाए उनको दोस्त बनाए और बढ़ा दे मोहब्बतें। ये काम एक आम आदमी के बस की बात नहीं थी, ये काम एक रसूल ही कर सकते थे। और औस खज़रज को रसूल के बारे में खबर किससे थी? फ्रॉम द कम्युनिटी ऑफ ज्यूस। ज्यूस तौरात को मानते हैं एंड दे हैड बीन शेयरिंग द प्रोफेसी विद द पीपल ऑफ औस एंड खज़रज कि हमारी किताब में एक रसूल के आने की आमद और खबर मौजूद है। सो दीज पीपल हैड बीन लुकिंग फॉरवर्ड कि हमारा मसला एक रसूल ही सॉल्व कर सकते हैं जो हमें राइवलरी खत्म करवाए, हमें दोस्त बना के बढ़ा दे मोहब्बतें। तो औस खज़रज को जब प्रॉफिट मोहम्मद उनकी सर मुलाकात होती तो पहले साल 11th ईयर था, प्रॉफिट अबू सिद्दीक अज़दरी के साथ अकाबा गए थे। अकाबा के मुकाम पर प्रॉफिट वॉज प्रीचिंग एंड ही वॉज रिजेक्टेड बाय अगेन फ्रॉम ऑल इंडिविजुअल्स एंड ट्राइब्स अनलेस हज़रत मोहम्मद हैड अ मीटिंग विद द ट्राइब ऑफ खज़रज के चेलो। प्रॉफिट आस्क्ड देम, हू आर यू? दे सेड, वी आर फ्रॉम द ट्राइब ऑफ खज़रज। हज़रत मोहम्मद ने कहा कि व्हाई डोंट यू सिट डाउन एंड लिसन टू मी व्हाट आई से। नबी ने सामने इनको इन्वाइट किया तो छह के छह लोग मुसलमान हुए, लेकिन ये कन्वर्जन हुई है, प्लेज नहीं हुआ। कन्वर्जन हुई है, प्लेज नहीं हुआ, इसलिए हम इसको बोलते हैं मीटिंग या तकाबा। 11th ईयर की बात, 11th ईयर की बात हो रही है, इसको हम मीटिंग बोलेंगे, इसको हम प्लेज नहीं बोलेंगे। लेकिन इन लोगों ने खुद से प्रॉफिट से कमिट किया कि व्हेन वी लेफ्ट आवर पीपल विद हेटेड एंड सिवियर एनिमिटी, नाउ वी विल गो बैक टू आवर टाउन एंड वी विल प्रीच योर मैसेज टू आवर पीपल। मे अल्लाह सीमेंट आवर टाइज थ्रू यू, या रसूलुल्लाह आपके मैसेज से अगर हमारे ताल्लुकात मजबूत हो गए, यू विल बिकम डियरेस्ट टू अस, आप हमारे लिए सबसे अजीज और महबूब आदमी हो जाएंगे। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इन्होंने खुद से कमिटमेंट करके ये चले गए। अब छह लोगों ने जब प्रीच किया तो छह लोगों के प्रीच करने के बाद जो अगले साल प्रॉफिट के पास जो रिटर्न आया मदीना से, और खज़रज के लोग गए थे, तो अगले साल जो लोग आए वो कितने थे? 12। कितने थे? 12। अब आपको मेरे साथ जो है एक लाइन रिपीट करनी, 12 नहीं 7, 7 नहीं 12। आप इसको मेरे साथ बोलोगे पहले, उसके बाद आप इसको मुझे लिख के भेजोगे। 12 नहीं 7, 7 नहीं 12, 12 नहीं 7, 7 नहीं 12। अब इसके पीछे एक टीचिंग है, मैंने पिछली क्लास में बताई थी, मैं अभी थोड़ी देर में क्लियर करने लगा हूं। 12 नहीं 7, 7 नहीं 12, 12 नहीं 7, 7 नहीं 12। अब ये क्या वजूहत और ये क्या बात है, मैं आपको बाद में समझाऊंगा। हेडिंग दे दो आप, 12th ईयर प्रॉफिट की हेडिंग दे दो। 11th ईयर तक हमने काम कर लिया था, 12th ईयर और प्रॉफिट की हेडिंग आ जाएगी। जिस भी पेज में आप थे मेरे बच्चा, जहां तक आपने काम कर लिया था वहां तक जो है उसके आगे आपने हेडिंग देनी है 12th ईयर और प्रॉफिट। नहीं सुफियान, प्रॉफिट ने पहले टारगेट नहीं बनाया था इसको, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जहां से भी सपोर्ट आएगा प्रॉफिट इस्लामिक स्टेट बना लेंगे। पेज नंबर 32 पे पहुंच गए। अब आई एम नॉट श्योर कि व्हाट पेज यू आर यूजिंग, क्योंकि हमने काफी सारी राइटिंग लास्ट क्लास में की थी, हो सकता है यू विल बी ऑन पेज 32, हो सकता है 32 के एंड में हो या मिड में हो, व्हेरेवर यू आर। तो लास्ट क्लास के जो टॉपिक है वहीं से रिज्यूम हो रहा है। अब बेटा आराम से ध्यान से बात सुनना, जरा लंबी कहानी है, फिर हम एक साथ उसके पॉइंट सीख लेंगे। 12th ईयर बहुत क्रूशियल है, जब भी प्लेजेस के नाम से क्वेश्चन आएगा तो 12th ईयर जो है वो सबसे ज्यादा खास है। अच्छा, अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि 12 नहीं 7, 7 नहीं 12, पहले आप मुझसे ये वाली बात जरा अच्छे से समझ लो ताकि कंफ्यूजन सॉल्व हो। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगेन प्रॉफिट हैड गॉन टू द वैली ऑफ अकाबा, और ये वही 10 11 12 13 ज़िलहज के दिन के बीच के दिन हैं जो कि डेज ऑफ तशरीक कहलाते हैं। हाजी साहब थोड़ा आराम में होते हैं, हाजी के हज की बहुत सारी एक्टिविटीज हो चुकी होती हैं, अब हाजी मीना में यूजली आराम कर रहे हैं, स्पेशली 10 से लेके 13 ज़िलहज में। तो हजरत मोहम्मद की अकाबा के मुकाम पर जो है मदीना मैदानाइट से दोबारा जब मुलाकात हुई तो इस बार जो 12 लोग आए थे उसमें 2 वर फ्रॉम ट्राइब औस, सो दैट्स अ गुड न्यूज। लास्ट ईयर मैसेज सिर्फ खज़रज तक ब्रेक हुआ था, अब औस के लोग भी इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। 2 औस से थे और 10 लोग खज़रज से थे, तो औस और खज़रज के बिल्कुल मिला के जो 12 लोग आए हैं इसको सर खुरम आप बोल रहे हैं 12 नहीं 7, 7 नहीं 12। तो बेटा जरा गौर से इस चीज को देखो, ये जो 12 लोग आए हैं इन 12 में 5 लोग तो वही हैं जो पिछले साल भी आए थे। देखो यहाँ स्क्रीन पे ना आपको बार बार नजर आ रहा होगा, लास्ट ईयर जो 6 लोग थे उनमें एक मशहूर आदमी थे, उनका नाम था जाबिर बिन अब्दुल्ला। तो जाबिर बिन अब्दुल्ला एक मशहूर आदमी है, इनका बाद में बहुत ज्यादा जिक्र आएगा, इवन के उस्मान के टॉपिक पर भी इनका जिक्र आएगा शायद, और पिवटू में भी जिक्र आएगा। तो जाबिर बिन अब्दुल्ला क्योंकि मिला के 6 लोग आए थे, इस साल जब 12 लोग आए तो इसमें खज़रज के जो 10 लोग हैं उसमें 5 लोग वही हैं जो पिछले साल भी आए थे। उन पिछले साल 6 लोगों में से 5 लोग आए, एक कौन नहीं आया? जाबिर बिन अब्दुल्ला। इसका मतलब ये नहीं कि जाबिर बिन अब्दुल्ला अपोस्टेटाइज या उन्होंने प्रॉफिट को नापसंद किया। हज हर साल कोई कर भी नहीं सकता और हर साल हज करना लाजमी भी नहीं है, तो जाबिर इस साल नहीं आए। तो अब जो 12 लोग पहुंचे हैं
इन 12 लोगों में पांच वही हैं जो पिछले साल आए थे। तो अगर पांच पिछले साल वाले आ गए हैं तो बताओ नए लोग कितने हुए। 12 में से पांच निकाल लूंगा तो नए लोग कितने आए। अगर मैं 12 में से पांच निकालू कितना बनेगा, 7। तो मैं बोल रहा हूँ 12 नहीं 7। इससे मेरा मतलब बच्चा ये है कि इस बार जो नए लोग आए हैं वो 7 हैं। अब जरा जिम्मेदारी से एक बात बताना, गलत जवाब मत देना, थोड़ा सोच के भले जवाब दे देना। अब जब 12 लोग प्रॉफिट से अकाबा में मिलेंगे तो दो बातें होंगी, कन्वर्जन्स एंड प्रोमिसेस। दो बातें होंगी, दे आर गोइंग टू कन्वर्ट एंड दे आर गोइंग टू मेक प्रोमिसेस। 12 लोग मिलने आए हैं प्रॉफिट से, 5 लोग पिछले साल वाले हैं। कुड यू प्लीज टेल मी, अब जब इस्लाम कबूल होगा, व्हेन दे आर गोइंग टू लिसन टू प्रॉफिट, तो इनमें से कितने लोग इस्लाम कबूल करेंगे? 12 लोग हैं, इस्लाम कितने लोग करेंगे कबूल? 7 लोग। 5 लोग इस्लाम क्यों नहीं कबूल करेंगे? ये 5 लोग इस्लाम क्यों नहीं कबूल कर रहे? ये पहले से कन्वर्टेड है। तो जब मैं बोलूंगा ना 12 नहीं 7, तो मेरा बच्चा इसका मतलब ये है, 12 नहीं 7 का मतलब है कि जो कन्वर्ट हुए वो 7 हैं। 12 नहीं 7 का मतलब है जो पिलग्रिम्स कन्वर्ट हो रहे हैं वो 7 हैं। 5 ऑलरेडी कन्वर्टेड थे, दे वर ऑलरेडी मुस्लिम सिंस द 11th ईयर ऑफ प्रॉफिटहुड। अब मैं बोला 12 नहीं 7, कन्वर्टेड 7 थे लेकिन 7 नहीं 12। अब बताओ जिम्मेदारी से, समझ में आ जाएगी बात। 7 लोग कन्वर्ट हुए, प्रॉफिट पीयर मेट देम इन द वैली ऑफ अकाबा, दे लिसन टू प्रॉफिट स्पीचिंग एंड मैसेज, प्रॉफिट शेयर्ड रेवलेशंस विद देम, एंड देन दे एक्सेप्टेड इस्लाम इन द हैंड्स ऑफ हज़रत मोहम्मद पीस अपॉन हिम। एक्सेप्टिंग इस्लाम, दीज पीपल देन मेड प्रॉमिसेस टू प्रॉफिट। अब बताओ प्रॉमिस कितने लोग करेंगे? प्रॉमिस 12 लोग करेंगे। तो 12 नहीं 7, कन्वर्ट 7 हुए, 7 नहीं 12, 12 लोगों ने वादा किया। तो 12 नहीं 7, 7 नहीं 12, 12 नहीं 7, कन्वर्ट 7 हुए हैं, 7 नहीं 12, वादा 12 लोगों ने किया। तो इन लोगों ने जो वादे किए हैं वो वादे आप मेरे साथ याद करेंगे। देखो अभी मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाऊंगा, उसमें पूरा 10 मार्क्स का क्वेश्चन ही प्लेजेस पे, तो आप बड़े ध्यान से इस चीज पे जरा फोकस रहिएगा। प्लेजेस पूरे याद करने पड़ेंगे कि कौन कौन सा वादा हुआ। दिस ईयर व्हेन दे ग्रैब प्रॉफिट्स हैंड रिवेयरली, यू करके हाथ पकड़ के प्लेज होता है जिसको आप बैट बोलते हैं, और यू करके हाथ पकड़ के प्लेज होता है इसको बोलते हैं पोस्चर ऑफ स्वेरिंग एलिजेंस। So when they would swore allegiance, reverently grabbing Hazrat Muhammad Pir's hand, so they said these words. इन्होंने प्रॉफिट से दो वादे किए। पहला वादा, to obey Allah and His Messenger. दूसरा वादा, to abstain from immoral practices. इन लोगों ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दो वादे किए, to obey Allah and His Messenger, to abstain from immoral practices. बेटा याद हो जाए तो भेज देना मुझे। When they made promises, 12 नहीं 7, convert 7 थे, 7 नहीं 12, वादा 12 लोगों ने किया। When they made promises, they made two promises, to obey Allah and His Messenger, to abstain from immoral practices. अभी तक एक का भी जवाब नहीं आया, याद नहीं हो रहा क्या? To obey Allah and His Messenger and to abstain from immoral practices. जबरदस्त, एक साथ ही लिख दिया, very nice, good, हमजा जफर, very nice. To obey Allah and His Messenger and to abstain from immoral practices. ये दो वादों में भी इसको इलैबोरेट करना होगा। मैंने अभी जो है वो 2000 जो है वो मेरे ख्याल 17 का एक क्वेश्चन था, 13 में भी आया, 17 में भी आया, उसको मैंने देखा, तो उसने इन मॉरल प्रैक्टिस को इलैबोरेट किया। अब रुक जाओ, जब याद हो गया थोड़ा सा और याद कर लो। दे मेड टू प्रॉमिसेस, टू ओबे अल्लाह एंड हिज मैसेंजर, टू एब्सटेन फ्रॉम इमोरल प्रैक्टिसेस। इमोरल प्रैक्टिसेस 5 थी जिनका इन्होंने वादा किया। इमोरल प्रैक्टिसेस जिस टू एब्सटेन फ्रॉम, ये 5 इमोरलिटीज छोड़ देंगे। वो 5 इमोरलिटीज क्या थी, मैंने आपको प्रोसिक्यूशन में याद कराया था। Burial of daughters alive, idol worshipping, adultery, stealing, cursing. Burial of daughters alive, बेटियों को जिंदा नहीं दफनाएंगे, idol worshipping जो है immorality है, adultery, stealing और cursing. शराब वराब की बात नहीं होगी, शराब 5 AH में हराम होगी। To obey Allah and His Messenger, to abstain from immoral practices 5 हैं, burial of daughters alive, idol worshipping, adultery, stealing, cursing. To obey Allah and His Messenger, to abstain from immoral practices 5 हैं, burial of daughters alive, मेरे साथ साथ पढ़ते रहोगे तो याद होगा, burial of daughters alive, idol worshipping, adultery, stealing, cursing. To obey Allah and His Messenger, पहला वादा, to abstain from immoral practices, दूसरा वादा, और to abstain from immoral practices में 5 immoralities इनको फौरन छोड़नी थी, और वो 5 immoralities ये थी, burial of daughters alive, idol worshipping, adultery, stealing, cursing. अब टाइप करके भेजो, सबका जवाब आना चाहिए, ऐसे बात नहीं बन पाएगी। इब्राहिम खलील ने 2 बार लिख के भेज दिया, कॉपी पेस्ट किया जा रहा है। Immoral practices 5 हैं, burial of daughters alive, idol worshipping, adultery, stealing, cursing. मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, 2 वादे हुए थे, to obey Allah and His Messenger, दूसरा प्रॉमिस था, to abstain from immoral practices 5 हैं, burial of daughters alive, idol worshipping,
adultery, stealing, cursing. आप लोग भेजे फिर मैं आगे की कहानी लेके चल रहा हूँ कि मुझे इस ईयर को फॉलो खत्म करना है. Burial of daughters alive, idol worshipping, adultery, stealing, cursing. Very nice. Everybody has to write it down क्योंकि यार याद नहीं हुआ तो बड़ा मसला होगा. Pledges में ये इतने छोटे छोटे पॉइंट सीख के अच्छा खासा स्कोर मिल जाता है. Burial of daughters alive, idol worshipping, adultery, stealing, cursing. अच्छा, when they made this pledge in the hands of Hazrat Muhammad, peace upon him, so it is called the first pledge. Or because this pledge was taken in the valley of Aqaba, so it is known as the first pledge of Aqaba. Sir Khurram, why it is called the first pledge? Because in the later year, there is going to be another pledge, which would be the second pledge of Aqaba. So Aqaba ka pledge hai, kyunki valley of Aqaba hai, kyunki ye vada hai, to ye pledge ho gaya, kyunki ye first hai, to ye first hai. So when they made promise, grabbing Prophet's hands severely, this became to be known as the first pledge of Aqaba. Ab main jo aapse information share kar raha hu, wo aapki books ne bilkul nahi likhi hai, par aapko yahan cover karni hai ki pledges 10 marks mein aa rahe hain. हजरत मोहम्मद ने देखा कि दे एक्सटेंडेड देयर सपोर्ट फ्रॉम नबी अलैहिस्सलाम. इन्होंने इस बार कन्वर्जन भी हुई हैं और वादे भी किए हैं. सो प्रॉफिट पियोन मेड अ डिसीजन दैट कि ही इज आल्सो गोइंग टू पुट मोर एफर्ट्स टुवर्ड्स द सिटी ऑफ मदीना, क्योंकि अब होप ही है कि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन जो है कन्वर्जन की हो सकती है. व्हेन दे वर गोइंग बैक टू द सिटी ऑफ मदीना, हजरत मोहम्मद सेंट समबडी विद देम. दिस मैन इज कॉल्ड द फर्स्ट एम्बेसडर ऑफ इस्लाम हु वाज सेंट आउटसाइड मदीना. और इस्लाम के जो पहले एम्बेसडर हैं जिनको प्रॉफिट ने मैदनाइट्स के साथ भेजा था और हजरत के साथ मदीना, उनका नाम है मेरा बच्चा हजरत मुसब बिन उमैर. मुसब बिन उमैर एक बहुत पॉपुलर आदमी है. इनकी एक बहुत बड़ी पॉपुलैरिटी ये भी है कि मुसब बिन उमैर जो है उनकी फिजिकल अपीयरेंस प्रॉफिट से बहुत रिजेंबल करती है. पांच लोग ऐसे थे जो हुजूर अलैहि सलाम से बहुत मिलते थे. हजरत हसन थे, हजरत हुसैन थे, हजरत मेरे ख्याल से एक जो है वो हजरत एक बनो हाशिम के मेंबर बनो हजरत जाफर थे गालिबन, और एक जो है हजरत मुसब थे और एक बनो हाशिम के और मेंबर थे, उनका नाम याद नहीं है. तो हजरत मुसब बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला जो है वो प्रॉफिट से रिजेंबल बहुत करने की शोहरत है, लेकिन की जो बहुत पॉपुलर बात है वो ये कि ही वाज फर्स्ट मुस्लिम एम्बेसडर. हजरत मुसब बिन उमैर को ब्रिटिश प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों भेजा, इस बात को जरा याद कर लेना. मुसब बिन उमैर वाज सेंट टू मदीना टू डू टू थिंग्स. मुसब बिन उमैर को प्रॉफिट ने मदीना भेजा दो काम करने के लिए. वो दो काम क्या थे? ए टू प्रीच इस्लाम, बी टू टीच द न्यू कन्वर्ट्स. मुसब बिन उमैर को प्रॉफिट ने मदीना भेजा क्यों? नंबर वन, टू प्रीच इस्लाम, कि मुसब जाओ. अब हो क्या रहा था कि कोई शख्स मदीना में मुसलमान हो रहा है तो वो नेक्स्ट ईयर तक वेट कर रहा है कि हम काबा जाएंगे, प्रॉफिट के हाथ में कलमा पढ़ के मुसलमान होंगे. तो प्रॉफिट ने कहा मुसब आप वहीं चले जाइए. इफ अ पर्सन इज विलिंग टू एक्सेप्ट इस्लाम, उसको मदीना में ऑन द स्पॉट कलमा शहादत पढ़ा के इस्लाम कबूल करवाइए ताकि मुसलमानों की तादाद जल्दी से बढ़े. और दूसरा, जैसे ही अ पर्सन इज गोइंग टू एक्सेप्ट इस्लाम आउट ऑफ द प्रीचिंग बाय समबडी, तो उस शख्स को फिर इस्लाम सिखाना भी होगा. तो प्रॉफिट पियोन ने इनको दूसरा काम जो दिया था वो क्या था? टू टीच द न्यू कन्वर्ट्स. तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसब बिन उमैर को मदीना भेजा जो कि इस्लाम के पहले एम्बेसडर हैं. उनके दो काम थे, नंबर वन टू प्रीच इस्लाम, नंबर टू टू टीच द न्यू कन्वर्ट्स. याद हुआ है तो बता दो भाई, व्हाई मुसब बिन उमैर वाज सेंट टू मदीना. मुसब बिन उमैर वाज सेंट टू मदीना. मुसब बिन उमैर वाज सेंट टू मदीना टू प्रीच इस्लाम एंड टू टीच द न्यू कन्वर्ट्स. मुसब बिन उमैर वाज सेंट टू मदीना टू प्रीच इस्लाम एंड टू टीच द न्यू कन्वर्ट्स. मुसब बिन उमैर मदीना पहुंचते हैं तो मुसब बिन उमैर वाज वेलकम बाय एंड ही वाज होस्टेड बाय. होटल्स नहीं होते थे उस वक्त, लोग ऐसे तो नहीं रह सकते थे, किसी घर मेहमान बन के ही रहेंगे. तो जैसे प्रॉफिट भी मदीना जाएंगे तो वो ही बंसारी के घर पे पहले रहेंगे. तो मुसब बिन उमैर वाज होस्टेड बाय द पर्सन बाय द नेम ऑफ हजरत असद. हजरत मुसब को हजरत असद ने होस्ट किया. अब मुसब और असद दोनों मिलके मदीना की गलियों में प्रीचिंग करेंगे. हमदान बेटा, बाबा कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है. वन टाइम इज मोर देन इनफ. डू नॉट ट्राई टू बॉदर और इरिटेट मी, अदरवाइज मेरी इरिटेशन जो है आपकी एक्सपल्शन भी निकलेगी. तो इस पूरी सूरत हाल में मुसब बिन उमैर और असद मिलके मदीना की गलियों में प्रीच कर रहे हैं. बेटा अब ये बात आ गई इवैल्यूएशन की. यू नीड टू बी अ लिटिल स्मार्ट. बात को बड़ा ध्यान से समझना है यार. समझ में बात नहीं आ रही. पहले साल छह लोग आए. नेक्स्ट ईयर कितने लोग आए थे? फर्स्ट ईयर 6 आए थे, नेक्स्ट ईयर 12 नहीं 7. अगर ओवरऑल देखें 12 हैं, लेकिन न्यू लोग कितने थे? 7. पहले साल 6 कन्वर्ट्स हैं, नेक्स्ट ईयर 7 कन्वर्ट्स हैं. उसके अगले साल का लाले नंबर चेक करो तो बात चलेगी 75 में. ये जो बूमिंग नंबर इंक्रीज हुआ, इसके दो रीजंस हैं. देखो, रीजंस कभी भी आ सकते हैं. हर चीज के अंदर क्यों का जवाब निकालना पड़ता है. तो अगर 6 से 7 हो रहे हैं एक साल के गैप में, 6 से 7 लोग हो रहे हैं, 7 के बाद 75 हो गया नंबर, उसकी वजह दो है. नंबर वन, इस साल प्रीचिंग बहुत जोर से हुई है
और सबसे ज्यादा प्रीचिंग में पार्टिसिपेट जिन्होंने किया उनका नाम क्या था, मुसब और असद। क्या नाम था भाई प्रीचिंग में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उनका नाम था मुसब और असद। लेकिन ये रीजन भी कम है, चलो अगर मुसब और असद ने प्रीचिंग की थी तो साथ नहीं चलो 14 लोग आ जाते, 20 आ जाते, 22 आते। सर ये बूमिंग नंबर जो शूट कर गया है जिसमें मैं आपको अभी बताऊंगा कि सब ने इस्लाम कबूल किया सिवाय दो के, तो ये जो नंबर बूम कर गया है, इस बूम नंबर करने की वजह क्या थी? एक थी प्रीचिंग और दूसरी वजह क्या थी, इस साल ये नंबर 12 से 75 में शूट कर गया क्योंकि इस साल कॉमनर्स के अलावा सेलिब्रिटीज ने भी इस्लाम कबूल किया। आजकल आपके टीवी एक्टर एक्ट्रेसेस या स्पोर्ट्स पर्सन जो है वो सेलिब्रिटीज होते हैं, उस वक्त के सेलिब्रिटीज पोएट्स होते थे, वॉरियर्स या रेसलर्स होते थे या ट्राइबल चीफ्स होते थे। दो सेलिब्रिटीज ऐसे थे जो आपस में कजन्स थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, सिर्फ जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया। वो सेलिब्रिटीज क्यों थे? क्योंकि वो अपने ट्राइब ऑस के चीफ थे और जब कबीले का सरदार चीफ हुआ जो कन्वर्ट हो गया तो उन्होंने पूरे कबीले को जो है इस्लाम कबूल करने पर कन्विंस कर लिया। ये जो दो लोग हैं, तो याद रहे पहले मैं अभी उनके नाम बाद में बताऊंगा, कहानी बाद में सुनाऊंगा, ये बात जान लें कि इस साल नंबर बहुत रैपिडली ग्रो किया। उसके रीजंस दो हैं, नंबर वन प्रीचिंग जोरदार हुई, नंबर टू कन्वर्जन ऑफ सेलिब्रिटीज। इस साल नंबर रैपिडली ग्रो किया उसके दो रीजन से, नंबर वन प्रीचिंग बाय मुसब बिन असद, नंबर टू कन्वर्जन ऑफ सेलिब्रिटीज। इस बार नंबर बूमिंग वे में इंक्रीज कर गया, रैपिडली ग्रोथ हुई है मुस्लिम पॉपुलेशन की मदीना में। उसके रीजन दो थे, नंबर वन प्रीचिंग बाय मुसब बिन असद और दूसरा रीजन है नंबर टू कन्वर्जन ऑफ सेलिब्रिटीज। अब बताओ दो रीजंस जिसकी वजह से नंबर 12 से 75 में शूट कर गया, दो रीजंस क्या है? दिस ईयर द नंबर ऑफ मुस्लिम्स ग्रू रैपिडली इन द सिटी ऑफ मदीना। द रीजंस आर टू, नंबर वन प्रीचिंग बाय मुसब बिन असद एंड नंबर टू कन्वर्जन ऑफ सेलिब्रिटीज। अब सेलिब्रिटीज जो है वो आपस में कजन से उन दोनों के नाम याद करते हैं। अलीबा शाहिद सब ठीक है? अलीबा शाहिद साहिबा क्या इरादे हैं, पढ़ना नहीं है, निकाल दें आपको? अब कीबोर्ड प्रॉब्लम नहीं हुआ ये लिखते हुए? चले खैर हो गई, कोई बात नहीं जी। दो रीजन से इस बार नंबर रैपिडली ग्रो किया, बिकॉज ऑफ द प्रीचिंग बाय हजरत मुसब एंड हजरत असद एंड नंबर टू वॉज द कन्वर्जन ऑफ सेलिब्रिटीज। अब ये दो सेलिब्रिटीज जो आपस में कजन थे जो कन्वर्ट हुए मेरा बच्चा, इनके नाम याद कर लो, हजरत उसैद एंड हजरत साद बिन माज। सर खुर्रम ये सेलिब्रिटीज क्यों हैं? क्योंकि अपने कबीलों के सरदार हैं। कबीले का नाम क्या है? ट्राइब ऑस। ये ट्राइब ऑस के जो है चीफ्स हैं और दोनों आपस में कजन्स हैं। इनका नाम है हजरत उसैद एंड हजरत साद बिन माज। तो अब मैं जरा पीछे से आता हूँ, दो दो बातें आ गई ना, प्रॉफिट पीस ऑन से इन्होंने दो वादे किए, नंबर वन टू ओबे अल्लाह एंड हिज मैसेंजर, नंबर टू टू प्रीच टू एब्सटेन फ्रॉम इमोरल प्रैक्टिसेस, पांच हैं, बरील ऑफ डॉटर्स अलाइव, आइडल वर्शिपिंग, एडल्ट्री, स्टीलिंग एंड कर्सिंग। प्रॉफिट ने इनके साथ मुसब को भेजा दो काम करने के लिए, टू प्रीच इस्लाम इन मदीना एंड टू टीच द न्यू कन्वर्ट्स। जब मदीना मुसब पहुंचे तो मुसब और असद ने मिलकर जब प्रीचिंग की तो इस बार नंबर रैपिडली ग्रो कर गया। उसकी वजह क्या थी? नंबर वन प्रीचिंग बाय हजरत मुसब एंड हजरत असद एंड नंबर टू कन्वर्जन ऑफ सेलिब्रिटीज। और वो सेलिब्रिटीज जो थे जो चीफ से टाइम बॉस के, वो दो जो कन्वर्ट हुए जिनके बाद कबीला पूरा कन्वर्ट हुआ, उनके नाम क्या थे जो आपस में कजन से? हजरत उसैद एंड हजरत साद बिन माज। हजरत उसैद एंड हजरत साद बिन माज। हजरत उसैद की स्टोरी बड़ी मजेदार है। हजरत उसैद वॉज एन आइडल वर्शिपर। हजरत उसैद अपने ट्राइब के चीफ हैं। ही वॉज अ पॉपुलर एंड ही वॉज अ पावरफुल मैन। हजरत उसैद केम टू नो दो लोग मेरे मोहल्ले में यानी मेरे एरिया में आइडल वर्शिपिंग के अगेंस्ट प्रीचिंग कर रहे हैं। वो दो लोग जो हजरत उसैद के एरिया में प्रीचिंग कर रहे थे उनके नाम क्या थे? मुसब और असद। उसैद बिकेम सो एंग्री, ही बिकेम सो फ्यूरियस दैट ग्रैबिंग अ लांस इन हिज हैंड, जो नेजा वगैरह होता है, ग्रैबिंग अ लांस इन हिज हैंड, ही हैड स्ट्रेटली गॉन टू दैट पर्टिकुलर कॉर्नर वेयर हजरत मुसब बिन उमैर वाज प्रीचिंग इस्लाम टू द अदर मेंबर्स ऑफ मदीना। हजरत उसैद ने इंटरवीन करते हुए थोड़ा जो है वो डिस्ग्रेसफुली जो है हजरत मुसब से कहा, ओ मुसब, Why you are fooling people, weak of heart? क्यों लोगों को बेवकूफ बनाते हो ये बातें करके? Obviously because he was saying that idol worshiping is false. तो हजरत मुसब के लिए बात तो offensive थी कि इन्होंने बहुत सारे लोगों के सामने हजरत मुसब को इस तरह से बोल दिया, पर मुसब को पता है कि preaching का main rule है patience. मुसब turned to Usaid. मुसब ने कहा कि Usaid, why don't you sit down with us and listen to what I say? If you like the message, you can accept it, and if you dislike the message, you can openly oppose it. तो उसैद को ये बात बड़ी जबरदस्त लगी। ही वॉज लाइक फेयर इनफ,
अगर मुझे पसंद आया तो मैं कबूल करूं, वरना मुझे पूरी इजाजत है कि मैं उसको अपोज करूं। तो उसैद ने यहाँ पर मुसअब की जब बात, जो उनकी जो इन्विटेशन थी वो मानी, लेकिन नाउ ही वाज अ लिटिल रूड, ही वाज एंग्री। सो व्हेन ही सैट डाउन टू लिसन टू हज़रत मुसअब बिन उमैर, उनका सिटिंग पोस्चर आप देखोगे तो आपको अंदाजा होगा कि बंदा थोड़े से भरम में आया था। हाँ, तो सैद ही पियर्स द लांस ऑन द नियर बाय सैंड, बोलिए उधर भरम से बंदा आया, वो जो डंडा जमीन पे गाड़ दिया। So he was having a lance in his hand. He pierced the lance on the nearby sand. And Sayyid Raziyallahu Ta'ala, he sat down and listened to Hazrat Musab. When he was listening to Hazrat Musab, he was having fury on his face and he was giving hard expressions. Hazrat Musab bin Umair ne inko preach karna shuru kiya. Musab bin Umair ne jab inko preach karna shuru kiya, to usne wo Islam ke baare mein jab batate rahe, to Sayyid ke jo facial expressions the, they were become softer, softer and softer. Wo Sayyid kehte hain, the moment Musab bin Umair recited the verses of the Holy Quran, there was a grin on my face which converted into a smile. Aur jab ayatein suni, chehre pe muskan aa gayi, matlab jo noor tha Islam ka, jo kaifiyat thi, jo baat thi, wo samajh mein aa gayi aur dil mein utar gayi. And there Hazrat Usaid asked Musab, Musab, I like this message, please tell me how can I accept Islam. Aur Musab ne bola, you should recite Ashhadu la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Phir wuzu ghusl wagaira tareeka sikha ke baaki cheezein jo batani thi wo bata di. Ab Usaid batao kiski cousin hai, उसैद किसकी कजन है? वो था ना, एक बंदे को नई नई चीज मिलती है, बड़ा हैप्पी एक्साइटेड होता है, लोगों से शेयर करता है, अपने दोस्तों से। आपके भी बहुत सारे कजन होंगे जिनसे आप अपनी हजर खुशी बांटते हैं। उसैद वाज सो एक्साइटेड आफ्टर एक्सेप्टिंग इस्लाम, उसैद हैड रश्ड टू हजरत माज़ बिन जबल, ही सेड दैट माज़, देयर इज अ मैन केम फ्रॉम द सिटी ऑफ मक्का एंड दिस मैन इज सो इन्फ्लुएंशियल एंड द थिंग्स ही हैज बीन शेयरिंग आर सो अमेजिंग। I would like you to meet Hazrat Musab bin Umair. अगर तुम इजाजत दो साथ में तुम्हारी और मुसब की मीटिंग करवाता हूँ। अच्छा, हजरत साद बिन माज़ ने देखा कि उसैद में बहुत सारी पॉजिटिव चेंजेस हैं। उसैद has become sweeter, he has become nicer, और बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। तो साद बिन माज़ became a little excited, and साद agreed कि ठीक है, आप मेरी भी मीटिंग करा दें मुसब बिन उमैर से। अब साद बिन माज़ की मुसब बिन उमैर से मीटिंग हुई। इस मीटिंग में मुसअब बिन उमैर ने साद बिन माज़ को वो सारी बातें बताई जो सैद को बताई, और साद बिन माज़ को भी बात समझ में आ गई। पर इसके बाद बड़ा एपिक सीन हुआ। व्हेन हज़रत साद बिन माज़ एक्सेप्टेड इस्लाम, द मोमेंट ही एक्सेप्टेड इस्लाम, बिकॉज़ ही वाज कन्विंस्ड कि अल्लाह के अलावा कोई खुदा नहीं है, हज़रत साद बिन माज़ हैड गॉन टू हिज ट्राइब, गैदरिंग हिज ट्राइब्स मैन, हज़रत साद बिन माज़ सेड टू ऑल ऑफ देम, बाय गॉड आई विल नेवर स्पीक टू एनी ऑफ यू unless you all bear witness that there is no god except Allah and Muhammad sallallahu alaihi wasallam is indeed the messenger of Allah. Hazrat Saad bin Maaz said ki convince karne pe the whole tribe accepted Islam. Ab jo nabuwat ka 12th saal chal raha tha, agle saal 13th year jo aana tha, jisme jo 13th year ki preaching hai sari, Hazrat Musab bin Umair had se pehle prophet ke paas wapas aa gaye. Hazrat Musab ne prophet ko news di pura Madina musalman ho chuka hai. तो लेकिन दो लोग ऐसे थे जिन्होंने अभी भी इस्लाम, देखो ज्यूस को साइड पे रखना, तीन पॉपुलेशन थी ना, मैंने बच्चा आपको बताई थी, मदीना में तीन लोग रहते थे, औस, खज़रज, आइडल वर्शिपर से ये कन्वर्ट हो गए। ज्यूस ज्यूस ही रहेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी मोनोथीस है, उनसे हमें ज्यादा कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। तमाम लोगों ने इस्लाम कबूल किया सिवाय दो के। एक थे अल उसैरम, अल उसैरम ने इस्लाम कबूल नहीं किया, लेकिन जब हम मदीना चले गए थे, बैटल ऑफ उहद का सीन ऑन था, अल उसैरम बैटल ऑफ उहद की फाइट में हमारी तरफ से मदीना को डिफेंड कर रहे थे, ड्यूरिंग द बैटल ऑफ उहद ही एक्सेप्टेड इस्लाम। बड़े मजे का सीन ये हुआ कि यानी ये जो बात हमारे लिए बड़ी लेसन से भरी हुई है कि अल उसैरम ने बैटल ऑफ उहद में इस्लाम कबूल किया था, जैसे ही इस्लाम कबूल किया, अ फ्यू आवर्स लेटर ही डाइड एंड ही अर्न्ड मार्टर्डम। जब प्रॉफिट मोहम्मद ने अल उसैरम का जनाजा देखा तो प्रॉफिट ने उनके बारे में बोला, ही हैज डन अ लिटिल बट हिज रिवॉर्ड इज ग्रेट। उसैरम ने इतनी सी देर के लिए इस्लाम कबूल किया ही और शहादत मिल गई, बहुत थोड़ा सा उन्होंने नेकियां की हैं पर वो इनफ है और रिवॉर्ड इज ग्रेट, क्योंकि उनको शहादत जैसी मौत नसीब हुई और वो जन्नत जाएंगे। तो कुछ लोग इतने खुश नसीब होते हैं कि उनको मौत से कुछ देर कबल कलमा भी मिल जाता है, और फिर इतने खुश नसीब होते हैं कि कलमे के फौरन बाद उनको कुछ देर में शहादत भी मिल जाती है, अल उसैरम है। तो लेकिन अभी अल उसैरम ने इस्लाम कबूल नहीं किया, ये इस्लाम कबूल करेंगे आज से तकरीबन 4 साल के बाद, यानी इस दिन से 4 साल के बाद। एक फैमिली थी, दिस फैमिली वॉज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ मैजिशियन कॉल्ड कैस। इस फैमिली ने इस्लाम कबूल नहीं किया अंटिल 5 एज, जब 5 एज में बैटल ऑफ ट्रेंच हो गई थी, उसके बाद ये फैमिली भी कन्वर्ट हो गई थी। तो हम यहाँ बोलते हैं ऑलमोस्ट एवरीवन एक्सेप्टेड इस्लाम एक्सेप्ट ऑफ एन इंडिविजुअल नेम्ड अल उसैरम एंड अ फैमिली व्हिच वाज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ मैजिशियन कॉल्ड कैस। इन दोनों के अलावा तमाम लोग कन्वर्ट हुए। तो हजरत मुसअब ने आके गुड न्यूज़ दी प्रॉफिट को, या रसूलुल्लाह,
इस बार एक जमे गफीर आपके पास आएगा और उम्मीद यही है कि ये लोग आपके वो जब आएंगे तो आपको अपने इलाके में भी जाने की दावत देंगे कि अब हमारे पास एक टारगेट अचीव हो चुका है, वो क्या है, मेजोरिटी मुस्लिम पॉपुलेशन इन मदीना। अब प्रॉफिट को अगर इन्विटेशन मिलेगी तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मदीना जाके जो है उसको एक सेपरेट इस्लामिक स्टेट बना सकता। देख लो क्या प्रॉफिट ने प्रीच किया, प्रमोट किया और प्रीचिंग के लिए इनकरेज किया तो मदीना में लोग मल्टीप्लाई हुए। मल्टीप्लाई होने के बाद अब प्रॉफिट भी उनको अगर ये इन्वाइट करके वहां ले जाए, वहां मेजर मुस्लिम पॉपुलेशन के साथ प्रॉफिट उसको मदीना को बना सकते हैं जो है वो सेपरेट इस्लामिक स्टेट। तो मेरा बच्चा ये वाली जो बातें हैं ये सारी की सारी अब हमें लिखनी है, मैं आपको पॉइंट्स भेज रहा हूँ, आप उसको कॉपी अपने पास लिखते रहे तो उसके बाद हम गुफ्तगू आगे लेके जाएंगे। 12th ईयर ऑफ प्रॉफिट की हेडिंग दी हुई आपने, 12th ईयर ऑफ प्रॉफिट की जो हेडिंग है उसके नीचे मैं आपको लिखवा रहा हूँ। पहले मैं हेडिंग भी भेज देता हूँ यहाँ पर, 12th ईयर ऑफ प्रॉफिट। ये मेरे बच्चा हेडिंग थी, उसमें पहला पॉइंट है प्रॉफिट मोहम्मद पीस अपॉन हिम मेट 12 पिलग्रिम्स एट अकाबा। प्रॉफिट मोहम्मद पीस अपॉन हिम मेट 12 पिलग्रिम्स एट अकाबा। Two were from Aus and 10 were from Khazraj. Two from Aus and 10 from Khazraj. Aus ke bracket mein likh denge, 5 pilgrims were from previous year. Listening to Prophet Muhammad, peace upon him, they accepted Islam. अब जो इस्लाम कबूल किया है जिन लोगों ने वो थे 7 pilgrims. They accepted Islam, bracket में लिख दिया 7 pilgrims. And they also made promises. और जो promises किए थे जिन्होंने वो थे 12 pilgrims. मैंने आपको ये बता दिया 12 नहीं 7, 7 नहीं 12. Listening to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, they accepted Islam. 7 pilgrims इस्लाम कबूल किया and they also made promises. प्रॉमिस करने वाले पिलग्रिम्स जो थे वो 12 थे एंड मेड प्रॉमिसेस। बेटा कोशिश करके प्रॉमिसेस को अंडरलाइन कर लेना क्योंकि मैं नीचे प्रॉमिसेस लिखवा रहा हूं। मैंने आपको याद करवाया अब आप मेरे साथ साथ रिपीट भी करते रहे। लिसनिंग टू प्रॉफिट दे एक्सेप्टेड इस्लाम एंड दे आल्सो मेड प्रॉमिसेस। मेड प्रॉमिसेस को अंडरलाइन करना है, उसमें पहला प्रॉमिस था टू ओबे अल्लाह एंड हिज मैसेंजर, दूसरा वादा है टू एब्स्टेन फ्रॉम abstain from immoral practices. Immoral practices 5 हैं, burial of daughters alive, idol worshipping, adultery, stealing and cursing. Tobiah and his messenger पहला वादा था, दूसरा वादा है टू एब्सटेन फ्रॉम इमोरल प्रैक्टिसेस, बरियल ऑफ डॉटर्स अलाइव, आइडल वर्शिपिंग, एडल्ट्री, स्टीलिंग एंड कर्सिंग। दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट प्लेज ऑफ अकाबा। Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sent Hazrat Mus'ab bin Umair with them. A to preach Islam in Medina. B to teach the new converts. A to preach Islam in Medina. B to teach the new converts. Hazrat Mus'ab was hosted by Hazrat Asad.
अब सर आपका अकाउंट मैंने आपको बहुत लंबा करके सुनाया, क्योंकि ऑब्वियसली हमारी बुक्स में इंफॉर्मेशन नहीं होती तो पहले बता दी जाती है, इसकी तफसील मौजूद है, लेकिन जाहिर है आंसर में उतनी बात लिखें जिसमें वो चीज़ बस कनेक्ट हो जाए। तो हम बता दें जी, हजरत हुसैन और हजरत मुसअब असद की प्रीचिंग के बाद अ लॉट ऑफ पीपल कन्वर्टेड, स्पेशली टू पीपल हु वर द काइंड ऑफ सेलिब्रिटीज बिकॉज दे वर द चीफ्स ऑफ ट्राइब ऑस, और उनके नाम हजरत हुसैन और हजरत साद बिन माज़ हैं, तो वो और उनके जो ट्राइब्स हैं वो भी कन्वर्ट हुए। कन्वर्जन ऑफ मैनी इंक्लूडिंग हजरत हुसैन एंड हजरत साद along with their tribes. Almost all accepted Islam, except of an individual, unka naam maine likh diya Al-Husayrim, and a family. It was under the influence of a magician. Almost all accepted Islam except of an individual, Al-Husayrim, and a family which was under the influence of a magician, Qais. But as you are 13th year of prophethood ki heading deni hai, 13th year of prophethood. कोई सवाल है तो फटाफट पूछ लो, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स लोग कॉपी कर रहे हैं और मैं आपके सवाल के फिर जवाब दे पाऊंगा। ज्यूज ने इस्लाम कबूल कर रहे हैं भाई, ज्यूज अपने रिलीजन के साथ मजबूत हैं, लेकिन हमें कोई खास प्रॉब्लम नहीं है कि हमारे और ज्यूज के बहुत सारे एक्टिविटीज रिजेंबल करते हैं। अब्दुल्ला बिन उबे ने इस्लाम कबूल करने का नाटक किया था, अब्दुल्ला बिन उबे का पूरा डिटेल एक टॉपिक है और 10 मार्क्स का पूरा एक टॉपिक है, तो उसके लिए अभी सवाल ना करें। मैंने बीच में आपका सवाल देख लिया था, लेकिन अब्दुल्ला बिन उबे की पूरी हिस्ट्री अलग से डिस्कस होगी। अबू लहब ने ट्राइबल प्रोटेक्शन अदीना से दी थी, कि अबू लहब को अबू तालिब की जो है वो जो विल थी लास्ट के, अबू तालिब ने अपने डेथ बेड पे बोला था, हूएवर बिकम्स द नेक्स्ट चीफ ऑफ बनू हाशिम that person would give tribal protection to my nephew named Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So Abu Lahab Hazrat Abu Talib se chiefdom inherit kar raha tha, to Abu Lahab ke upar ye formality thi ya uske upar jo hai wo ek binding thi ke wo jo ex chief the Banu Hashim ke unki jo last desire ya will thi usko Abu Lahab ko follow karna zaruri tha. Two cousins ke naam the Hazrat Usayd aur Hazrat Saad bin Maas. रिव्यू बुक के आंसर्स नहीं याद कर सकते, वो बहुत अधूरे होते हैं, अगर आप रिव्यू बुक के आंसर्स को पे ही इत्तेफाक करेंगे तो आपका गुजारा नहीं हो पाएगा, तो आपको डिटेल्ड नोट से पढ़ना चाहिए, उसको कंसाइज करके याद कर सकते हैं, रिव्यू बुक कभी कभार कम पड़ जाती है, कुछ टॉपिक्स कर सकते हैं सारे। हाँ जैनब, मैं वो भूल गया, आज मुझे सुबह भी याद आया, लेकिन आप वो ऑन कैंपस क्लासेस मीटिंग्स ये वो टू मच, तो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट बेटा, आज इंशाल्लाह रात तक मैं वो अपलोड कर दूंगा मेरा आज का जो PDF है। नीगस भी बाद में मुसलमान हो गए थे और मोहम्मद बिन आज़ भी बाद में मुसलमान हो गए थे, मोहम्मद उस्मान मजाहत, यही इस बात का जवाब है, दोनों लोग मुसलमान हो गए। नहीं जी, मैं रिकॉर्डिंग रिमूव नहीं कर रहा अभी फिलहाल, परेशान ना हो। 12 नहीं 7, 7 नहीं 12 का मतलब यह है कि जब 12 लोग मिलने आए थे उसमें 5 लोग पुराने वाले ही थे, तो जो कन्वर्ट होंगे अब वो जो है वो 7 लोग हैं, लेकिन जो जो वादा प्रॉफिट से करेंगे वो 12 लोग हैं, क्योंकि पहले 5 लोग ऑलरेडी मुसलमान थे, उनको कन्वर्ट होने की जरूरत नहीं है, और 12 लोग जो वादा जब करेंगे तो 12 के 12 लोग वादा करेंगे। अबू लहब डाइड एज अ पॉलीथीस्ट
और अबू लहब के लिए अल्लाह ने बद्दुआ की भी है कि अबू लहब पे दर्दनाक अज़ाब होगा, तो अबू लहब और उम्मे जमील दोनों पे दर्दनाक अज़ाब है। इसका मतलब वो बगैर ईमान के मरेंगे, और बगैर ईमान के मरे उसको जो है वो लेप्रेसी का जो मर्ज हुआ था अबू लहब को, और ये बैटल ऑफ बदर के आसपास की बात है। फिर उसको मक्का से उठा के लोगों ने बाहर फेंक दिया था, बिकॉज इट वॉज अ कंटेजियस डिजीज, वाइड स्प्रेड डिजीज है, तो लोग उसकी बड़ी दर्दनाक मौत है, और उसका खात्मा भी बड़ा जो है वो दर्दीला है, ज़ाहिर नबी का और इस्लाम का दुश्मन था, तो यही होगा। सर 13th ईयर ऑफ प्रॉफिट में आ गए, सवाल बोलो, सवाल पूछने तो बस शुरू ही हो गए भाई, अल्लाह आपको खुश रखे, अच्छा लगता है आप लोग सवाल पूछते हैं, लेकिन चले ये भी अच्छा लगेगा अगर आप याद करके सुना दें। भाईजान इस साल जब प्रॉफिट मोहम्मद से मुलाकात होगी, तो इस मुलाकात के अंदर आपको दो बातों का बड़ा खास ख्याल रखना है, वो ये कि इस साल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मीटिंग करने आएंगे वैली ऑफ अकाबा में, तो पहली बात तो ये कि अब ये मीटिंग में बहुत सारे लोग आ गए, 73 मैन एंड 2 वुमेन हैं, ये औस के और खजरज के हैं। सो दीज पीपल व्हेन दे केम ऑब्वियसली दे हैड फॉलन इन लव विद हजरत मोहम्मद पीस अपॉन हिम, एंड दे न्यू दैट कि अगर अबू जहल को जरा सी भी खबर हो गई कि मदीना की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन प्रॉफिट की फैन है, और वो प्रॉफिट से वादे करने और मिलने के लिए आई हुई है, तो हो सकता है अबू जहल प्रॉफिट पे जानलेवा हमला कर दे। सो दे वर सो कंसर्न्ड अबाउट प्रॉफिट सिक्योरिटी कि जब ये लोग तवाफ वगैरह कर रहे थे, क्योंकि 8, 9, 10 को तो हाजी बिजी होता ना अराफात में, मुजलफा में, काबा में, तवाफ कुतुब, तवाफ ज़ियारत वगैरह में, सो दे हैड बीन सो कंसर्न्ड अबाउट प्रॉफिट सिक्योरिटी कि अल्लाह के रसूल को कुछ हो ना जाए, बिकॉज दे केम अप विद एन आइडिया, क्योंकि अब हम हजरत मोहम्मद सब को अपने साथ अपने इलाके लेके चले जाएंगे, हमको दावत देंगे वो और आए, क्योंकि मक्का में नबी इस्लाम अनसेफ है। तो इस साल बहुत सारे प्रोमिसेस होंगे, और उन प्रोमिसेस में एक बहुत डेंजरस प्रोमिस है, इतना खतरनाक और प्रोमिस है कि हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब प्रॉफिट के चाचू जान हैं, और अब्बास बिन उबादा और दूसरे असद बिन जुहारा लोग जो अंसार के चीफ से, उनको बाकायदा इस पर लंबी लंबी स्पीचेस करके लोगों को अच्छे से याद दिलाना पड़ा कि जो पांचवा वादा है, ये वादा तकरीबन जो है उन लोग की जानों को बड़ा खतरा है। सो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी डिफिकल्ट जो है वो प्लेज, क्योंकि इसमें बाकी सारी बातें तो अपनी जगह पे, पांचवा प्रॉमिस काफी कॉम्प्लिकेटेड है। तो व्हेन दे केम एंड दे वर वेटिंग फॉर नबी इस्लाम के हुजूर से मुलाकात हो जाए, तो प्रॉफिट से इनकी मुलाकात होती है डेज ऑफ तशरीक में। अब डेज ऑफ तशरीक में ये रात का जो मिडनाइट का टाइम है उसमें मुलाकात करेंगे, क्योंकि हाजी तो बहुत सारे मेजोरिटी पॉलीथीज से, सो दे स्नीक आउट ऑफ देयर कैंप्स, और ये हजरात अपने कैंप से वो मिडनाइट का जो टाइम है उससे निकले, रात में सब सो रहे होते हैं, और अकाबा की वैली में जाके एक जगह पे इकट्ठे हो गए। Now they waited, waited, and waited, and they had been waiting for Prophet. And Nabi Rasool eventually showed up at the valley of Aqaba. But now Prophet was accompanied by Hazrat Abbas bin Abdul Muttalib, jinka ek bada kaam hai, jo aage ek bahut badi cheez jo hai, wo properly, openly discuss aur explain karne ke liye aaye Madianites ko. Ye to expected tha ki Madianites vaade to karenge, par is baar Madianites Prophet ko apne saath le jaane ki baatein karenge. To Prophet ke bade aaye hain, Prophet ke chaachu aaye hain, to ye kahenge hamara bhatija le hi to jaoge, hamare kuch reservation hai, aisa na ho ki hamara bhatije ko aap le jao, unko koi nuksan ho, jaise koi bada hota hai wo abbu agar aaye koi kahe ki bhejenge to mamla hoga. Madianites nahi hai, Madianites hai, D-D-I-N-I-T-S. Yes. So when they came to meet Prophet in the valley of Aqaba, 73 people were men, so they pledged physically on the hands of Hazrat Muhammad peace upon him. Lekin there were two women as well. Aur auraton na mehram ko na Prophet ne kabhi haath lagaya hai na uski ijazat di hai. So when these women made pledges, so they did not made a physical pledge, they pledged orally. अक्सर ऐसे होता था जब प्रॉफिट के हाथ में कोई औरत बैठ करती थी, तो प्रॉफिट एक एज पकड़ लेते थे जो है वो थ्रेड का, और दूसरे पर्दे के पीछे जो दूसरी औरत है उन्होंने दूसरी तरफ से वो थ्रेड पकड़ लिया, और यूं करके प्लेज हुआ। सो यहाँ पर मुझे आपको एक हदीस समझानी है, वो ये कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक मौजूद है कि ना महरम को जिसने हाथ लगाया, ना महरम से हाथ जिसने मिलाया, वो हाथ जहन्नुम जाएगा। अब आप थोड़ा सा समझदार हैं, अल्लाह ने आपको अब थोड़ी सी विजडम दे दी है, आप 15-16 साल के हो चुके हैं, और ये चीज़ें जो आपकी कल्चर में ऐड हुई हैं, तो कल्चर में कोई गलत चीज़ ऐड होगी तो गलत ही रहेगी। तो नॉन मुस्लिम्स कह रहा हूँ मैं, ना महरम जो है उससे तो नहीं हाथ मिला सकते, ना महरम वही होता है जिससे निकाह कर सकते हैं, वो ना महरम होता है, कज़न भी ना महरम होता है, और जो अल्लाह का भला करे जो माशरे में आप लोग देखते हैं, हम टीचर्स भी आपके ना महरम ही हैं, तो कोई शख्स ना महरम से हाथ मिलाएगा वो हाथ जहन्नुम जाएगा। थोड़ा सोचना इंसान को चाहिए, हाथ जहन्नुम जाएगा तो ये इशारा ये तो वो खुद भी पूरा जहन्नुम ही जाएगा ना, ऐसे थोड़ी हाथ जहन्नुम जाएगा बाकी उसका जिस्म जहन्नुम चला जाएगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तसर बात करते थे, उसमें इंसान के लिए इशारा काफी होता था। तो ये बात कि भाई इफ यू आर मीटिंग एन अ पर्सन और समथिंग लाइक दैट, तो अपना एक डिस्टेंस मेंटेन करना है, अपनी मॉडेस्टी को प्रिजर्व करना है, और ये हाथ मिला के आप अपनी जन्नत क्यों गवा सकते हैं? तो अगर ये तरीका आप में राइज है, आपके दोस्तों में, आपके अजीजों में, आपके कजन्स में, तो बेटा इसको डिस्करेज करना पड़ेगा आपको, हुजूर की बात से ऊपर फिर बात नहीं है कोई, अल्लाह की जात के अलावा। हुजूर ने कह दिया जो नामेरम से हाथ मिलाएगा वो हाथ जहन्नुम जाएगा, तो ये हदीस आपके लिए काफी और याद रहनी चाहिए, ऐसा नहीं हो।
तो अक्सर ऐसा होता है, मैं जिस बिल्डिंग में आज बैठा आपको पढ़ा हुआ वेरिटास है, इसका ओपन हाउस था, मैं ओपन हाउस में आया तो ज़ाहिर है स्टूडेंट्स के बहन भाई बड़े जमाने से किस्से मैंने सुन रहे होते हैं, बड़े एक्साइटेड होते हैं। तो मैं यहाँ पर आया तो एक स्टूडेंट थी मेरे ख्याल से, शी वॉज ऑफ ग्रेड 7 या 8 की, वो छोटी सी बच्ची थी या 9 की थी, आई डू नॉट नो क्लास, लेकिन शी वॉज यंग। तो शी मैं ओपन हाउस में जैसे एंट्री मारता हूँ उसी बिल्डिंग में, तो वो दौड़ती भी आई और शी वॉज लाइक सर, एंड शी यू नो शी मूव्ड हर हैंड टुवर्ड्स मी। तो मैंने कहा मेरा बच्चा मैं हाथ नहीं मिला सकता, वालेकुम सलाम बेटा आप ठीक हो, खुश हो, अल्लाह खुश रखे, हाथ नहीं मिलाया। लेकिन अब उसमें यू नीड नॉट टू बी रूड ना, और मैंने बहुत अच्छे से इस चीज को हैंडल किया, मेरे साथ ही पहले कई बार हो चुका था तो मैंने प्रैक्टिस कर ली थी कि यार अगर इस तरह की सिचुएशन दोबारा आएगी तो मुझे सामने वाले को इस तरह से एम्बेरस भी नहीं करना है, क्योंकि देखो किसी का दिल दुखा देना भी खतरनाक बात है, तो एम्बेरस भी नहीं करना है और बड़े प्यार से मामला जो है वो सेटल हो जाए। तो इस तरह से यार वो कोई हाथ बढ़ा मैं मुंह उधर कर लूँ तो दैट इज गोना बी रूड एंड हार्श ऑब्वियसली। तो मैंने उसको ऐसी बताया कि बच्चा हाथ नहीं मिला सकते, लेकिन वालेकुम अस्सलाम आप बताओ बेटा ठीक हो, और क्या बात है क्या आप किसके भाई हो किसकी बहन हो, इस तरह से बात कर ली। तो हाथ नहीं मिलाना है जिस कदर, क्योंकि जो शरीयत आपके और मेरे लिए आई है वो शरीयत पे पाबंद हम सबके 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 सब है, तो जितना ख्याल रख सकते हैं वो रख सकते हैं। वैसे भी सोशल डिस्टेंसिंग चाहिए रियान जी, दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट यू रेज। आजकल वैसे सोशल डिस्टेंसिंग है, आप तो भाई भाई से भी हाथ नहीं मिला पा रहा। वैसे मैं जिम जा रहा हूँ आजकल तो वहां पर तो फैशन हाथ मिलाने और गले मिलने का भी, अल्लाह माफ करे वहीं से कोरोना न लग जाए। सो हजरत मोहम्मद सल्लम के हाथ पर प्लेज करेंगे 73 लोग फिजिकली और 2 लोग ओरली प्लेज करेंगे, वो खवातीन है। अब जो उन्होंने प्लेज किया ये सेकंड प्लेज ऑफ अकाबा है, इसमें वादे हैं 5, ये थोड़े मुश्किल से याद होंगे, लेकिन मेरा बच्चा मेरे साथ रहे ना तो आपको जरा ये उम्मीद है कि ये पक्के थक्के याद हो जाएंगे। तो इस बार जो हजरत मोहम्मद सल्लम से इन्होंने वादे किए वो वादे क्या थे, नंबर 1 टू फियर अल्लाह अलोन, नंबर 2 टू ओबे प्रॉफिट एट ऑल टाइम्स, नंबर 1 to fear Allah alone, number 2 to obey Prophet at all times, to fear Allah alone, to obey, अभी लिखना नहीं सिर्फ मेरे साथ पढ़ते रहो और याद होता रहेगा। तो 5 वादे जो हुए, 5वां वादा सबसे डेंजरस है, इस पे हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब बड़ी स्पीच करेंगे। नंबर 1 to fear Allah alone, number 2 to obey Prophet at all times, number 3 to spend in plenty and shortage both, to spend in plenty and shortage both। अब सीन ये है कि हजरत मोहम्मद सल्लम एक स्टेट बनाने जा रहे हैं, उस स्टेट में फंड्स चाहिए होंगे, तो हुजूर इस्लाम ने इसे पहली वादा ले लिया कि जब फंड्स की जरूरत होगी, इसे तबूक में हमें जरूरत पड़ी थी, तो फिर आप खुल के जनरोसिटी के साथ खर्चा करेंगे, आपके पास कम माल होगा आप कम माल देंगे, अगर आपके पास ज्यादा होगा जो तौफीक है उसके हिसाब से खर्चा करना है। तो स्पेंड क्या है, टू स्पेंड वेल्थ फॉर द कॉज ऑफ अल्लाह इन प्लेंटी एंड इन शॉर्टेज। वो तबूक हुई, तबूक में ओवर सिद्दीक घर का थमान आधा सा दिख गया, उसमें थोड़े से धागे सुई वगैरह बर्तन ही थे, उस्मान ने 900 ऊंट और 100 घोड़े और 1 पहाड़ जितना वो मामला दे दिया। तो इस पूरी सूरतेहाल में यहाँ पर जो पॉइंट बन रहा है वो बड़ा सिंपल सा है, टू स्पेंड इन प्लेंटी एंड शॉर्टेज बोथ, यानी अल्लाह की राह में खर्चा करेंगे जो भी सतात होगी, कभी ज्यादा और कभी कम, टू फियर अल्लाह लोन, टू ओबे प्रॉफिट एट ऑल टाइम्स, टू स्पेंड इन प्लेंटी एंड शॉर्टेज बोथ, टू फियर अल्लाह लोन, to obey Prophet at all times, to spend in plenty and shortage both, to spend in plenty and shortage both। एक बात जो इस्लाम की बड़ी खास है और जो इस उम्मत की बड़ी खास है, यानी तुम और मैं सबसे स्पेशल कौम है। तमाम कौमें जब आई, जो जितनी भी नबियों की कौमें थी वो सारी कौमें हमसे पहले आई, लेकिन हम सबसे आखिर में है। सबसे आखिर में जो कौम आई वो हजरत मोहम्मद सल्लम की नेशन है, उम्मा है। और हजरत मोहम्मद, अल्लाह माफ करे नबियां आप गाली दे रही हैं, अल्लाह आपको खुश रखे, लही बन लही राजून अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बी व तुबुलई। सो दिस इज नॉट राइट, यू नो आई एम इन माय सेंसेस बट दिस इज नॉट द वे ऑफ टॉकिंग, दिस इज नॉट द राइट वे। सो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, अल्लाह आपको खुश रखे, आपने मुझे गाली दी, मैं आपके लिए दिल से दुआ करता हूँ, इट्स ओके इफ यू आर सेइंग सॉरी, दैट्स ओके एज वेल, मैं दीन पढ़ा रहा हूँ बेटा, दिस इज नॉट द वे। सो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं, उन्होंने जो है वो हमारी जो उम्मत है हम प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लम की जो उम्मत है हम जो है वो सबसे खास क्यों है, सबसे एंड में आए, सबसे पहले जन्नत जाएंगे, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि हमें एक काम दिया गया, उस काम की वजह से हम खास हैं। वो कुरान में बार बार रिपीट होता है और वही पॉइंट मैं आपको याद करा रहा हूँ। वी आर सो स्पेशल नेशन, वी आर गोइंग टू बी एंटरिंग इनटू पैराडाइज फर्स्ट अमंग ऑल द नेशंस। व्हाई सो? बिकॉज़ वी डू वन थिंग, अमर बिल मारूफ व नहीं अनिल मुनकर। हम अच्छाई की तरफ बुलाते हैं, बुराई से रोकते हैं। अच्छाई की तरफ बुलाते हैं, बुराई से रोकते हैं। तो अच्छाई की तरफ बुलाने को बोलते हैं टू एंजॉइन गुड एंड टू फॉरबिड ईवल, टू एंजॉइन गुड एंड टू फॉरबिड ईवल, अच्छाई की तरफ बुलाना, बुराई से रोकना। तो जो चौथा वादा है वो है टू एंजॉइन गुड एंड टू फॉरबिड ईवल, टू एंजॉइन गुड एंड टू फॉरबिड ईवल। अच्छाई की तरफ बुलाओगे, बुराई से रोकोगे,
लोगों को दीन की बात सिखाओगे, लोगों को गुनाहों से रोकोगे। जैसे कि अभी मैं आपसे बात करता था, ना मैडम से हाथ नहीं मिलाना बेटे, तो ये अच्छाई की तरफ बुलाना है, बुराई से रोकना है। तो चौथा वादा जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया वो था टू एंजॉइन गुड एंड टू फॉरबिड ईविल। तो चारों वादे याद करते हैं, टू फियर। पांचवा वादा बड़ा लंबा है क्योंकि उस पर डिस्कशन लंबी होगी, वो याद करना बहुत आसान है। ये कोशिश करो पांच चारों को, चारों के चारों पक्के याद हो जाए। टू फियर अल्लाह अलोन, अभी लिखना नहीं है सिर्फ याद करना है। टू ओबे प्रॉफिट एट ऑल टाइम्स, टू स्पेंड इन प्लेंटी एंड शॉर्टेज बोथ, टू एंजॉइन गुड एंड टू फॉरबिड ईविल, टू एंजॉइन गुड एंड टू फॉरबिड ईविल। पांचवा वादा जिसमें अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब और अब्बास बिन उबादा और उसके बाद असद बिन ज़ुहरा ने स्पीचेस की, वो वादा क्या था? टू प्रोटेक्ट प्रॉफिट मोहम्मद पीस अपॉन हिम लाइक देयर डियरेस्ट वन, टू प्रोटेक्ट प्रॉफिट मोहम्मद पीस अपॉन हिम लाइक देयर डियरेस्ट वन। तो ये ऐसे हुजूर की हिफाजत करेंगे जैसे ये अपने प्यारों की, अजीजों की हिफाजत करें, जैसे अपने अम्मी की, अपने अबू की, अपने बहनों, अपने भाइयों की हिफाजत करेंगे, वैसे ही हजरत मोहम्मद सल्लम की हिफाजत करेंगे। टू प्रोटेक्ट प्रॉफिट लाइक देयर क्लोजेस्ट वंस। तो मेरा बच्चा जब अजान हो जाएगी ना, तो अजान जब कब गैप दूंगा तो आप मुझे टाइप करके भेजेंगे, मुझे आपको आगे की दास्तान सुनानी है। यहाँ भी अजान शुरू नहीं हुई है, अगर अजान शुरू होगी तो मैं ये स्क्रीन फौरन से गायब कर दूंगा ऐसे करके, और आपने मुझे पांचों बताने में एक बार और रिपीट कर रहा हूँ। वैसे तो जोया बाजी ने ऑलरेडी लिख दिया, अल्लाह आपको बेटा खुश रखे। टू ओबे, टू फियर अल्लाह अलोन, टू ओबे प्रॉफिट एट ऑल टाइम्स, टू स्पेंड इन प्लेंटी एंड शॉर्टेज बोथ, टू एंजॉइन गुड एंड टू फॉरबिड ईविल, टू प्रोटेक्ट प्रॉफिट लाइक देयर क्लोजेस्ट वंस। अब जब ये पांचवा वादा करने लगे थे, वो पांचवा वादा कह रहा, देखो बेटा थोड़ा सा पॉलिटिकली करेक्ट होना पड़ेगा तुम्हें, अगर तुम पॉलिटिकली वीक हो गए तो तुम आगे की दास्तानों में, बैटल्स में बहुत बुरे फंस जाओगे। मेरे सवालों का जवाब देना क्योंकि ये सबसे मुश्किल पॉइंट है आज की डिस्कशन का। ये बताओ, अगर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना चले गए, मदीना की मेजॉरिटी पॉपुलेशन अब क्या है, नॉन मुस्लिम है या मुस्लिम है? अगर प्रॉफिट मदीना गए, मदीना की मेजॉरिटी पॉपुलेशन नॉन मुस्लिम है या मुस्लिम है? मुस्लिम है। अगर प्रॉफिट वहां जाते हैं तो वहां जाने के बाद प्रॉफिट की जो स्टेट बनाएंगे वो क्या कहलाएगी, नॉन मुस्लिम स्टेट या मुस्लिम स्टेट? मेरी बात ध्यान से सुनना, ये बहुत मुश्किल पॉइंट है, हाथ से निकला बहुत परेशान हो जाओगे। जब प्रॉफिट वहां स्टेट बनाएंगे क्या होगी, मुस्लिम स्टेट। ध्यान से सुनना और मेरे सवालों का जवाब देते रहना। अगर एक मदीना इस्लामिक स्टेट बनेगी, मदीना एक मुस्लिम स्टेट बनेगी, तो मदीना के सराउंडिंग में जो स्टेट्स हैं वो मुस्लिम स्टेट्स थी या नॉन मुस्लिम स्टेट्स थी? मदीना की सराउंडिंग में जो स्टेट्स थी वो मुस्लिम स्टेट्स थी या नॉन मुस्लिम स्टेट्स थी? नॉन मुस्लिम स्टेट्स थी। एक और बात का खुल के जवाब दे दो, जब तमाम नॉन मुस्लिम स्टेट्स थी उनके बीच में एक वाहिद मुस्लिम स्टेट जो होगी, ये तमाम नॉन मुस्लिम स्टेट्स को पसंद आएगी या खलेगी? एक मुस्लिम स्टेट इतनी सारी नॉन मुस्लिम स्टेट्स को पसंद आएगी या खलेगी? खलेगी ना सर। तो हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब यही बात एक्सप्लेन कर रहे हैं अंसार्स को, यानी कि औस और खजरज के लोगों को, देखो बात सुनो, व्हेन यू आर हियर टू इनवाइट एंड टेक माय नेफ्यू विद यू, या यू आर हियर टू गिव द इनविटेशन ऑफ टू माय नेफ्यू दैट यू आर गोइंग टू टेक माय नेफ्यू टू योर सिटी। लेकिन हजरत अब्बास ने इनको एक्सप्लेन किया, द प्रॉमिस यू आर मेकिंग इज अ डेवास्टेटिंग, इज अ लिटिल डेंजरस प्रॉमिस, स्पेशली द फिफ्थ प्रॉमिस टू प्रोटेक्ट प्रॉफिट लाइक द क्लोजेस्ट वंस। When you are going to take Muhammad to your city, the city of Medina, Medina will become an Islamic state. खुल के बात करते हैं, इस्लाम में धोखा नहीं देते हैं। जो pros and cons हैं सारे explain करने। When Muhammad will be in the city of Medina, Medina will become an Islamic state. और Medina Islamic state बनी, तो आसपास की जितनी भी states हैं, they are gonna hate that state. And in result of that, there's a huge possibility there will be several attacks made on Medina. There will be a lot of attacks which would be made on Medina. Or in attacks made, there is a possibility that you will lose your loved ones, you will lose your chiefs, you will lose your wealth, you will lose your livestock, and there is a possibility that you will lose your own life. अब आप जब प्रॉफिट को लेके जा रहे हैं तो थ्रेट्स आर गोइंग टू बी कम टू यू। आप पर कोई और हमला करे ना करे, एक पार्टी लाजमी हमला कर सकती है, वो मक्का के लोग हैं जो कि उस वक्त की सुपर पावर थी। और ऐसा हुआ ना, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना गए तो अटैक्स हुए, बदर हुई, ओहद हुई और ट्रेंच हुई। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत अब्बास यही एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इफ यू टेक मोहम्मद टू योर सिटी, हालात खराब हुए, अगर आप पे अटैक्स होना शुरू हुए, आप पर नुकसान होना शुरू हुआ, यू विल नॉट एग्जाइल मोहम्मद फ्रॉम योर सिटी। अगर आपने बुरे तरीन हालात में भी प्रॉफिट को वहां से निकाल देना है तो एक काम कीजिए, लीव मोहम्मद हियर, वी आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ आवर नेफ्यू लाइक वी हैव बीन डूइंग। तो हजरत अब्बास प्रॉफिट को लेके फिक्रमंद है, चाचू है ना, अब्बू जैसे हैं, समझा रहे हैं कि भतीजा चला जाएगा, ऐसा ना हो कि प्रॉफिट मक्का से चले गए, मक्का के लोग प्रॉफिट को दोबारा कभी एंट्री नहीं देंगे, और अगर मदीना के लोगों ने देखा कि उनपे बहुत सारे अटैक्स हो रहे हैं, अगर उन्होंने भी प्रॉफिट को एक्साइल कर दिया तो ना प्रॉफिट मक्का के रहेंगे ना मदीना के रहेंगे, इस्लामिक मिशन, ग्रोथ स्टेट, सब कुछ जो है वो जाया हो जाएगा।
हुजूर इस्लाम की 13 साल की मेहनत है। सो हजरत अब्बास को प्रॉफिट ने बड़े को लेकर आए साहब कि आप इनको समझा दें, बता दें कि इफ दे आर गोइंग टू मेक अ प्रॉमिस दे विल नेवर, वेरी गुड सर सुफियान, अल्लाह को खुश रखे, दे विल नेवर अबैंडन प्रॉफिट। और अब्बास ने कह दिया इफ इन फ्यूचर आफ्टर हैविंग सो मेनी ट्रबल्स इफ यू आर गोइंग टू अबैंडन नबी इस्लाम देन डोंट मेक दिस प्रॉमिस, लीव हिम हियर। If you can keep this promise forever, despite having all the losses, अगर आप ये वादा हमेशा रख सकते हैं और आप हमेशा प्रॉफिट कर सकते हैं, then you should be making this promise. And if you think that in future it will be difficult for you to keep this promise and you will be abandoning profit to save the life of your beloved ones, then leave Muhammad here. हम चाचा हैं, we are going to take care of our nephew like we have been doing that. यही स्पीच अब्बास बिन जो है उबादा ने की, यही असद बिन ज़ुहारा प्रॉफिट ने अंसार के चीफ्स को बुलाया कि भाई आप वादा जो कर रहे हैं वो वादा मुझे ले जाने का जो है, और मेरे साहबा जब वहां पर आएंगे तो हम आप हमें वहां कभी वहां से अबंडन नहीं कर सकते, एग्जाइल नहीं कर सकते। सो दैट शुड बी द प्रॉमिस। और जितना भी नुकसान हो, कितने भी अटैक्स हो, भले आपका माली नुकसान हो या जानी, आप मुझे नहीं निकाल सकते वहां से। सो अंसार्स के चीफ्स ने जाके सबको बताया, औस को, खज़रज को, कि देखो वादा बहुत मुश्किल है, बहुत हो सकता है बहुत सारी कुर्बानियां देनी पड़े। अंसार्स ने बहुत सोचा सोचा, डिस्कशन हो गई और काफी मशवरे के बाद अंसार्स केम टू प्रॉफिट एंड दे सेड या रसूलुल्लाह, वी हैव कम टू नो अबाउट ऑल द ऑड्स, अबाउट ऑल द थ्रेट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉमिस, बट वी वुड लाइक टू आस्क यू इफ डिस्पाइट नोइंग ऑल दीस थ्रेट्स, अगर इन तमाम थ्रेट्स के बावजूद भी इफ वी मेक दिस प्रॉमिस, अगर इन तमाम नुकसान के बावजूद भी इफ वी मेक दिस प्रॉमिस एंड वी आर गोइंग टू प्रोटेक्ट यू एंड वी विल नेवर अबैंडन यू, व्हाट वुड वी गेट इन रिटर्न। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा In return of this promise, I assure you paradise. तो जहां जन्नत का तस्करा सुना, these people of Medina, the Aus and Khazraj, they made a promise to Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, which became to be known as the second pledge of Aqaba. Soon after the second pledge, now they had the duty. इन्होंने वादा क्या किया? ये prophet को protect करेंगे. And obviously, they cannot protect prophet. Prophet keeps on living in Makkah. नबी रसूल को मक्का में कभी भी उन पे जानलेवा हमला हो सकता है, कभी होगा प्रॉफिट पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इन्होंने प्रॉफिट से कहा, रसूलुल्लाह, वी हैव मेड द प्रॉमिस, वी आर गोना कीप इट, और हम आप अगर मक्का रहे हम आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे, यू शुड बी कमिंग टू आवर सिटी, द सिटी ऑफ मदीना, अलोंग विद योर सहाबास। सो प्रॉफिट पीएम को जब इन्विटेशन मिला, इस इन्विटेशन की बात क्या हुआ ये थोड़ी देर में करेंगे हम लोग, क्योंकि अब माइग्रेशन का प्रोसीजर स्टार्ट होगा, जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग सी छोटी सी दास्तान है, और फिर वहीं पर हमारे पास पेपर्स के बाकी पास पेपर्स स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन ये 13th ईयर खत्म हुआ, जिसको बोलते हैं सेकंड पेज ऑफ अकाबा। तो बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी मुझे जो है वो प्रॉमिसेस भेज दिए थे, क्योंकि मैं टाइपिंग करते हुए आपको रिवाइज नहीं करवा पाता, तो एक काम करते हैं, किसी ने पहले से लिखे रखे, अरे यार क्या बात है, दिल खुश कर दिया आप लोगों ने, क्या बात है, पहले से टाइप करके रखे थे। तो 5 वादे थे, to fear Allah alone, to obey Prophet at all times, to spend in plenty and shortage both, to enjoin good and to forbid evil, and to protect Prophet like their dearest ones. So Hazrat Muhammad Sallam ka jo second pledge hai, isme sabse khatarnak wada kaun sa tha? Which one was the most dangerous promise? Pehla, dusra, teesra, chautha hai, panchwa. Aur wo danger kya tha ki agar Prophet jis bhi ilake mein jayenge, wahan par attacks honge. Koi aur attack kare na kare, ek party lazmi attack kar sakti hai. Kaun? अगर प्रॉफिट मदीना गए तो एक पार्टी लाजमी मदीना पर अटैक करेगी, कौन? कुरैश, क्योंकि कुरैश कभी भी प्रॉफिट को फ्लरिश करते हुए या इस्लाम को प्रमोट होते हुए, इस्लाम को एस्टैब्लिश होते हुए देख नहीं सकते। चलो जबरदस्त हो गई, इसका मतलब बात समझ में आ गई है, तो लिखना शुरू करते हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे। लेकिन 13th ईयर प्रॉफिट की मेरा बच्चा आपने हेडिंग दी थी, पहला पॉइंट लिखे, ही मेट 75 पिलग्रिम्स एट अकाबा। He met 75 pilgrims at Aqaba, 73 men and 2 women. 73 men and 2 women. The meeting was held during the days of Tashreeq. The meeting was held during the days of Tashreeq at midnight. During the days of Tashreeq at midnight, Prophet Muhammad, peace upon him, was accompanied by Hazrat Abbas bin Abdul Muttalib. Prophet Muhammad, peace upon him, was accompanied by Hazrat Abbas bin Abdul Muttalib, जो प्रॉफिट के चाचू थे, जिन्होंने अंसार्स को रियलाइज करवाना है कि they are making a very difficult promise. अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला।
अच्छा बेटे, मैं लेक्चर में ये बात आपसे पूछना भूल गया, मैंने आपकी चैट बंद की हुई थोड़ी देर के लिए, मैं आपको रिमाइंड करा दूं, इस साल प्रॉमिसेस होंगे कन्वर्जन से, क्योंकि जो भी कन्वर्ट होने थे वो ऑलरेडी हो चुके हैं मदीना में, हजरत मुसअब बिन उमैर ने उनको कलमा शहादत पढ़ा दिया हुआ है, तो अब यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं दे वर ऑल मुस्लिम्स, अब दे आर ओनली गोइंग टू लिसन टू प्रॉफिट एंड दे आर गोइंग टू मेक प्रॉमिसेस, तो लेकिन दे मेड प्रॉमिसेस टू प्रॉफिट। They made promises to Prophet Muhammad, peace be upon him. अच्छा, promises को underline कर लेना। पहला promise है to fear Allah alone, जो कि माशाल्लाह से आप लोग को याद हो गया। To obey Prophet, peace be upon him, at all times. To obey Prophet at all times. तीसरा promise है to spend in plenty and shortage both. To spend in plenty and shortage both. चौथा टू एंजॉइन गुड एंड टू फॉरबिड ईवल, टू एंजॉइन गुड एंड टू फॉरबिड ईवल, और पांचवा वादा है टू प्रोटेक्ट प्रॉफिट, टू प्रोटेक्ट प्रॉफिट पीस अपॉन हिम लाइक देयर क्लोजेस्ट वंस भी लिख सकते हैं या डियरेस्ट वंस भी लिख सकते हैं, टू प्रोटेक्ट प्रॉफिट पीस अपॉन हिम लाइक देयर डियरेस्ट वंस। अच्छा, बहुत सारी स्पीचेस हुई थी हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब, हजरत अब्बास बिन उबादा, हजरत जो है वो असद बिन जुहारा, लेकिन हम सिर्फ हजरत अब्बास की स्पीच का हवाला दे देंगे जो कि काफी होगा क्योंकि हमारे पास टाइम कम होगा, ये बहुत लंबा आंसर ऑलरेडी हो चुका है। हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह तआला अन्हु अलार्म्ड देम ऑफ द पॉसिबल consequences of these promises. Hazrat Abbas bin Abdul Muttalib alarmed them of the possible consequences of these promises. Despite the odds, they pledged, which is called the second pledge of Aqaba. Despite the odds, they pledged, which is called the second pledge of Aqaba. Soon after the pledge, they invited Prophet, peace upon him, and his followers to their city. Soon after the pledge, they invited Prophet, peace upon him, and his followers to their city. जी बेटा, सवाल पूछना है तो पूछिए, क्योंकि फिर अब मैं कंजर्वेटिव जाऊंगा और उसके बाद मुझे लंबी गुफ्तगू करनी है। प्रॉफिट आस्क्ड देम एंड दे आल्सो प्रपोज्ड, वो गिव, वो जैसे होती है ना, जब मैंने यू मेक अ डील, यू निगोशिएट एंड यू टॉक, के यू नो इफ आई वुड बी देयर, यू वांट मी टू बी इन योर सिटी, ऑब्वियसली रसूल को के साथ कौन नहीं रहना चाहेगा, सो इट वाज ओवरऑल अ डिस्कशन एंड आफ्टर डिस्कशन दे रीच्ड टू द कंक्लूजन कि ये बातें होनी चाहिए। ऑन कैंपस क्लासेस आर गोइंग वेरी नाइस, अल्हम्दुलिल्लाह, मजा आ रहा है। डेज ऑफ तशरीक, आयशा बेटा 10 11 12 13 जिलत जो होते हैं इन डेज को डेज ऑफ तशरीक बोलते हैं। अच्छा, जिसका काम हो जाए वो ये P2 कॉपी करना शुरू कर दे, अभी हमारा P1 खत्म हुआ है। जिन लोगों ने काम कर लिया, मैं कुछ सवालों के जवाब दे रहा हूँ, धीरे ये P2 भी कॉपी कर लें, अगर तो काम कॉपी, अजान हो रही है, P2 कॉपी करो।
जी पीटू मतलब पैराग्राफ नंबर टू है रायन बेटा। अच्छा यू नीड टू स्टॉप वर्किंग प्लीज, क्योंकि मैं जो आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ ये पैराग्राफ नंबर टू की, ये आज के टॉपिक के अलावा ये फ्राइडे के टॉपिक का भी हिस्सा है, क्योंकि ये जो पैराग्राफ है ये पैराग्राफ लेटर टू में भी पूरा लिखा जाएगा, इवेंट्स ऑफ में भी पूरा लिखा जाएगा। इस पैराग्राफ में प्लान की डिस्कशन और सूरह यासीन की आयतों के अलावा और कोई चीज ज्यादा परेशान नहीं करती, इसे प्लीज फोकस ऑन दैट। मैं बहुत आसानी से और जल्दी से आपको ये बात समझा दूंगा, लेकिन जरा आपको कोई चीज बॉदर करेगी तो मैं बार बार आपकी क्वेश्चन से ले रहा हूँ, सो दैट यू गाइस विल नॉट रिमेन कंफ्यूज्ड। सो वन ऑफ द वेरी गुड क्वेश्चंस आस्क्ड बाय वन ऑफ द स्टूडेंट्स राइट नाउ इज दैट कि शी आस्क्ड कि सर ये डेज ऑफ तशरीक को डेज ऑफ तशरीक क्यों बोलते हैं। इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन, सो आई वुड लाइक टू आंसर इट टू एवरीवन हियर। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल की गर्दन पर छुरी चलाई थी तो पढ़ा था अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। इस्माइल अलैहिस्सलाम जब जान देने वाले थे उन्होंने पढ़ा था ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन छुरी नहीं चली और बाद में दुम्बा आ गया और हजरत जिब्राइल ने कहा कि योर ट्रायल हैज बीन सक्सेसफुल, हजरत इस्माइल नहीं बल्कि ये दुम्बा कुर्बान करना होगा। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम जब झूम के उठे तो इस्माइल अलैहिस्सलाम ने पढ़ा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल्हम्द। तो ये तीन चीजें हैं, इन तीन चीजों को मिला के बनती है तकबीर तशरीक। इस तकबीर का नाम है तकबीर तशरीक, जिसमें अल्लाह की वहदानियत और यूनिटी को एक्सप्लेन किया जाता है। और हाजी और नॉन हाजी ये 8 से लेकर 13 जिलहज के बीच में ये तकबीर बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, और नमाज के बाद जो है वो फर्ज नमाज के बाद तो वाजिब भी होता है ये, अगर कोई पिलग्रिम नहीं भी है तो वो तकबीर पढ़ता है। तो इन डेज को डेज ऑफ तशरीक इन पर्टिकुलर इसी भी बोला जाता है कि उन डेज में तकबीर तशरीक रिसाइट होती है याद में हजरत इब्राहिम अलैहि इस्माइल के। तो तकबीर क्या थी, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। जब उनकी गर्दन पे छुरी चल रही थी अपने झूम के उठे हजरत इस्माइल ने बोला अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल्हम्द। तकबीर तशरीक इसको डेज को डेज ऑफ तशरीक इसी बोलते हैं, क्योंकि इनमें तकबीर तशरीक पढ़ी जाती है और इनमें उस कुर्बानी को याद किया जाता है जो कि इब्राहिम इस्माइल साहब ने मिलकर एक बड़ी मिसाल कायम की। सो बेटा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनविटेशन मिल चुका है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो जाना चाहते हैं, लेकिन प्रॉफिट तब तक नहीं जा सकते जब तक उनको अल्लाह की इजाजत ना हो। यू रिमेंबर दैट प्रॉफिट डिड नॉट माइग्रेट टू अबिसिनिया, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फॉलोअर्स वर गिवन द परमिशन टू माइग्रेट टू अबिसिनिया। 39:10 में फॉलोअर्स को कहा कि हिजरत कर जाए, नबी इस्लाम को इजाजत नहीं मिली। अब भी फॉलोअर्स को इजाजत है, फॉलोअर्स को तो ऑलरेडी परमिशन मिली हुई है माइग्रेशन की। पहले प्रॉफिट ने कहा था अभी सीनियर चले जाएं, अब प्रॉफिट ने बोला जी फैमिलीज को कि जैसे जिस इसको मौका मिले दे शुड मूव फ्रॉम द सिटी ऑफ मक्का टू द सिटी ऑफ मदीना। तो हुजूर इस्लाम अभी नहीं जाएंगे प्रॉफिट पीस अपॉन हिम को जब तक अल्लाह की तरफ से इजाजत नहीं मिले। हाँ ये जरूर था कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लम को आके बता दिया था कि अल्लाह पाक ने जो है अल्लाह हैज विल दैट सून अल्लाह इज गोइंग टू गिव यू द परमिशन टू माइग्रेट, तो आप उसकी तैयारियां कर लें। सो प्रॉफिट पीस ऑन एक रात को हजरत अबू बकर सिद्दीक के घर गए थे और प्रॉफिट ने अबू बकर सिद्दीक से कहा कि माय लॉर्ड इज गोइंग टू गिव मी द परमिशन टू माइग्रेट, आई वांट यू टू माइग्रेट विद मी। अबू बकर सिद्दीक तो ऑलरेडी इंडिविजुअली माइग्रेट करने वाले थे, क्योंकि अबू बकर सिद्दीक को जिस आदमी ने ट्रैवल प्रोटेक्शन दी थी उसका नाम था इब्ने दुगना, उसने ट्रैवल प्रोटेक्शन विदड्रॉ की तो अबू सिद्दीक के लिए अब सेफ नहीं था मक्का। अबू सिद्दीक वॉज अबाउट टू माइग्रेट, प्रॉफिट ने उनको रोक दिया बिकॉज प्रॉफिट पीस ऑन वॉन्टेड अबू बकर सिद्दीक टू अकंपनी हिम इन दिस जर्नी। प्रॉफिट ने कहा कि जिस रात जब भी मुझे हुक्म मिलेगा अल्लाह की तरफ से उस रात मैं आपके घर आऊंगा एंड टुगेदर वी आर गोइंग टू मूव द सिटी ऑफ मदीना। प्रॉफिट ने अबू सिद्दीक से कुछ जिम्मेदारियां भी दे दी कि यू नीड टू अरेंज द गाइड जो हमें रास्ता गाइड करे, यू नीड टू अरेंज अ कपल ऑफ कैमल्स क्योंकि हम ऊंटों पे जा सकते हैं ऑन फुट ट्रैवलिंग पॉसिबल नहीं है। यू विल ऑल्सो नीड टू अरेंज जर्नी फूड, और अगर कोई बाद में हम जब निकले तो पीछे से खबर या कोई न्यूज आने के लिए कोई स्पाई होना चाहिए, जो कि अबू बकर सिद्दीक ने सारे अरेंजमेंट किए, खाने का इंतजाम ऊंट का इंतजाम और साथ में अबू बकर सिद्दीक की अवेलेबिलिटी खुद की भी, और जो बाद में हमें जो गाइड चाहिए था वो सबके इंतजाम किए। लेकिन प्रॉफिट ने कहा कि जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं आता तब तक जो इंतजार रहेगा। तो इशारा मिल चुका है नज़मीर इस्लाम को, लेकिन सहाबा को प्रॉफिट ने जाने को पहले से कह दिया। सो फॉलोअर्स बिगन टू एस्केप व्हेन प्रॉफिट गिव देम द परमिशन एंड द फॉलोअर्स वर लीविंग द सिटी ऑफ मक्का फॉर द सिटी ऑफ मदीना। कहते हैं जी 100 फैमिलीज माइग्रेटेड फ्रॉम मक्का टू मदीना, लेकिन व्हेन दीस फैमिलीज एंड इंडिविजुअल्स वर माइग्रेटिंग फ्रॉम मक्का टू मदीना
few were escaping secretly. Well, now why they were escaping secretly? Because Quraysh ki ijazat ke bagair agar unki city chhod ke jaye to it was kind of crime for them. Aur dusra Quraysh Islam dushman the. If these migrants had been caught, they could have been imprisoned or they could have been killed. तो माइग्रेंट्स जो हैं उनको सीक्रेटली माइग्रेट करना पड़ रहा है और काफी सारे ऐसे वाकयात में कुछ माइग्रेंट्स को रोका भी गया मारा भी गया जिसमें हज़रत ज़ैनब प्रॉफिट की बेटी जो थी उनको माइग्रेशन के टाइम पे रोक के उनको परसिक्यूट किया तो शी वॉज कैरिंग अ बेबी विच गॉट मिसकैरेज हुआ और मिसकैरेज की वजह से जो है बाद में उसी जो है कॉम्प्लिकेशन से उनके जो है वफात भी हो गई। तो यहाँ पर जो है वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोअर्स जो जा रहे हैं वो सीक्रेटली जा रहे हैं और वैसे भी कोई फैमिली के साथ जाएगा तो वो कोशिश करेगा कि कोई इनकाउंटर या कोई कन्फ्रंटेशन ना हो। Like when few people were migrating secretly, there were also few individuals and tribesmen who migrated openly. और जो open migrate किए थे, उनमें सबसे popular है हज़रत उमर बिन ख़त्ताब। हज़रत उमर was a strong wrestler and a furious warrior. So हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, you know, clinging the bow on his chest, and he buckled the sword on his waist, and he was holding some arrows and leading his tribe. हज़रत उमर had strictly gone to the building of Kaaba, जहाँ पर काबे में सारे chiefs मौजूद होते हैं। Hazrat Umar made seven rounds around the building of Kaaba, jisko aap circumambulation tawaf bolte hain, and right after that, Hazrat Umar made an open challenge to all those individuals sitting over there. Hazrat Umar said to them, if any of you want that your mother would cry on your dead body, if you want your wife to become a widow, and if you want your children to become orphans, then let a man face me on the other side of the mountain and try stopping me to migrate from Makkah to Medina. Ab wo daur guns ka ya bombs ka nahi tha. वो दौर अगर हैंड टू हैंड फाइटिंग में होगा तो वो बहादुरी मुकाबला और पहलवान के सामने का था। सो हज़रत उमर वेन ही मेड एन ओपन चैलेंज, ज़ाहिर है ही वाज़ आल्सो अलोंग विद हज़रत अदर ट्राइब्समैन, तो हज़रत उमर के उस चैलेंज को किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया। एंड वेन ही माइग्रेटेड टू सिटी ऑफ मदीना, ही डिड नॉट माइग्रेट सीक्रेटली, ही माइग्रेटेड ओपनली। सो अब अगर हज़रत उमर की रवानगी हो रही है, 100 फैमिलीज चली गई हैं, तो जाहिर सी बात है कुरैश को तो इस बात की खबर है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जाने लगेंगे, और यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो इन्हें जाने नहीं देंगे। सो प्रॉफिट की जान को खतरा हो सकता है, हुजूर क्यों नहीं जा रहे? बिकॉज प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज वेटिंग फॉर डिवाइन ऑर्डर्स, जब तक रब का हुक्म नहीं आएगा हुजूर नहीं जाएंगे। मीनवाइल मैंने आपको बताया था 622 एडी का एक सानहा ये है कि 622 एडी में हजरत 622 एडी में अल-मुतीम बिन आदि की डेथ हो गई, तो अब कुरैश प्रॉफिट को असैसिनेट करने का इरादा भी कर सकते हैं, उसको एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। तो कुरैश ने वो प्लान बना लिया तो मामला नुकसान का है। प्रॉफिट डिड नॉट माइग्रेट, ही वाज स्टिल वेटिंग फॉर डिवाइन ऑर्डर्स, एंड देयर पीपल ऑफ कुरैश व्हेन दे सॉ दैट उमर माइग्रेटेड ओपनली, हिज ट्राइब्समैन माइग्रेटेड ओपनली, अ लॉट ऑफ फैमिलीज माइग्रेटेड सीक्रेटली, सो दे न्यू दैट कि अगर एक बार नबी अलैहिस्सलाम हमारे हाथ से निकले दोबारा कभी नहीं आएंगे। तो कुरैश हेल्ड अ मीटिंग अगेन इन देयर असेंबली हॉल, जिसका नाम मेरा बच्चा था दारुल नदवा, ये तो आपको पहले से याद है। दारुल नदवा की मीटिंग में डिस्कशंस हो रही हैं। ये रिवायतों से साबित है कि इस मीटिंग में शैतान यानी इबलीस भी मौजूद था, क्योंकि ये मीटिंग बड़ी क्रूशियल थी, क्योंकि यहां से इस्लाम रुक जाएगा या फ्लरिश हो जाएगा, नबी बच जाएंगे या सरवाइव कर जाएंगे। तो समबडी इन द मीटिंग सजेस्टेड, अब हर मीटिंग का जो सजेशन है उसको अबू जहल कन्फ्रंट करेगा। अबू जहल बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी का आदमी था और वो इस्लाम का बड़ा दुश्मन भी था। So somebody suggested that ke if before Muhammad is going to migrate, let's imprison Muhammad. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko jo hai wo jail mein qaid karte hain, imprison karte hain. To Abu Jahl said that it is not going to be in vain and useless, kyunki Huzur Islam ko phir koi na koi bacha rahe hai, kabhi Abu Dade bachane aate the, kabhi Al-Mutim aate the, unko koi na koi bacha lega. Somebody suggested that ke in order to stop Muhammad sallallahu alaihi wasallam, let's torture Muhammad, let's persecute Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jab Hazrat Muhammad sallallahu ki persecution ka idea suggest hua, तो अबू जहल ने कहा कि वी हैव बीन डूइंग दैट फॉर द पास्ट होल डेकेड, और इसका कोई हासिल और फायदा नहीं है। ही इज द मैन ऑफ डिटर्मिनेशन, ही इज नॉट गोइंग टू क्विट, ही इज नॉट गोइंग टू लीव हिज कॉज। फिर लोगों ने पूछा कि फिर क्या किया जाए, तो अबू जहल केम अप विद एन आइडिया। अबू जहल सेड दैट लेट्स असैसिनेट हजरत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। अब अगर हजरत मोहम्मद सलम को असैसिनेट कर दिया तो ये बात जो है वो उनके लिए, उनकी नजर में, कि ये मामला आसान रहेगा। लेकिन अगर प्रॉफिट को असैसिनेट किया तो प्रॉफिट एक कीमती आदमी थे, बनु हाशिम के थे, हो सकता था कि बहुत सारे कबीले के लोग जो हैं वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, बहुत सारे कबीले के जो लोग हैं वो जो है वो प्रॉफिट की जान का जो है वो जान जाने का बदला लें। देखो ट्राइबल सिक्योरिटी सिस्टम में होता क्या है, अगर एक शख्स ट्राइबली प्रोटेक्टेड है तो इसका मतलब ये कि दिस हैज बीन टॉट टू एवरीवन, और हर बंदे को बता दिया गया कि ये ट्राइबली प्रोटेक्टेड वीआईपी है, इसकी अगर जान गई तो फिर सारे कबीले मिलके उस इंडिविजुअल या उस ट्राइब को मार देंगे जिसने ट्राइबली प्रोटेक्टेड बंदे का जो है कत्ल किया। ठीक है, अल-मुतीम बिन आदि फौत हो गए,
ट्राइबल प्रोटेक्शन कैंसिल हो गई। लेकिन अगर आपको याद हो, एक ट्राइबल प्रोटेक्शन जो कि प्रिटेंशियस थी, कुरैश के सामने अनाउंस की है उसने, जिसका नाम है अबू लहब, वो तो आज भी एग्जिस्ट करती है, हमें मालूम है, वो प्रोटेक्शन नाम की है, काम की नहीं। अबू लहब प्रॉफिट को प्रोटेक्ट नहीं करेगा। लेकिन अब अगर प्रॉफिट को असैसिनेट कर दिया गया, तो प्रॉफिट अगर असैसिनेट होंगे तो ऑल द पीपल ऑफ कुरैश वुड बी लुकिंग टू अबू लहब कि अबू लहब अब तुम जो है तमाम कबीलों के साथ मिलके हजरत मोहम्मद सल्लम की जान का बदला लो, क्योंकि ट्राइबल सिक्योरिटी सिस्टम कुरैश के लोगों ने डिजाइन किया हुआ है और कुरैश का जो डिजाइन करदा सिस्टम है, इस सिस्टम की कोई अगेंस्ट जाएगा तो अपनी वैल्यू और कल्चर के लिए सारे ट्राइब्स मिलके गिल्टी ट्राइब या इंडिविजुअल का मर्डर करेंगे। सो अबू जहल इज सच अ स्मार्ट पर्सन। अबू जहल ने एक ऐसा प्लान बनाया जिस प्लान में हजरत मोहम्मद सल्लम की असैसिनेशन भी होगी, असैसिन्स के नाम भी लोगों को मालूम होंगे, छुपके नहीं होगा ये, असैसिन्स के नाम भी नोन होंगे, लेकिन असैसिन्स को सजा नहीं मिल पाएगी। उसके लिए अबू लहब ने जो दो एक तेज काम किया वो ये कि इस असैसिनेशन में आगे आगे उस शख्स को भी रखा जिसने प्रॉफिट को प्रोटेक्शन दी थी, वो अबू लहब। अबू लहब की प्रोटेक्शन नाम की थी, काम की नहीं, लेकिन उसने लोगों के सामने जो नाटक किया हुआ ना, वो तो चीफ है ना अपने ट्राइब का, तो अबू लहब ने प्रोटेक्शन दी है। लेकिन अबू लहब तो प्रॉफिट का ब्लड सस्ती एनिमी है, तो इस प्लान में जो 11 लोग प्रॉफिट को मारने के लिए जाएंगे उनमें अबू लहब को शामिल किया गया, ताकि अबू लहब की पोजीशन ऑलरेडी वीक हो और वो अगर खुद ही गिल्टी होगा तो फिर वो कैसे बदला हजरत मोहम्मद सल्लम का लेने की बात भी कर सकेगा। लेकिन इधर अबू जहल का प्लान बड़ा जबरदस्त और बहुत तेज तरार था। वो क्या था वो समझना, देखो असैसिनेशन भी होगी, असैसिन्स के नाम भी नोन होंगे, यानी गिल्टी असैसिन्स के नाम भी नोन होंगे, पर असैसिन्स को सजा नहीं मिलेगी, वो कैसे होगा बेटा, वो बात ध्यान से समझना। कुरैश का मतलब होता है, अगर मैं बात करूं ना कुरैश, कुरैश का मतलब होगा तकरीबन 11 से 12 कबीले, फिलहाल तुम इसको 12 कबीले काउंट कर लो, कुरैश का मतलब है 12 कबीले। 12 कबीलों में से अबू जहल ने जो प्लान सजेस्ट किया वो ये कि वी विल मेक एन अटैक ऑन मोहम्मद, हम जब अटैक करेंगे प्रॉफिट की जान लेने के लिए तो उसमें अटैकर्स होंगे 7 ट्राइब्स के। कितने ट्राइब्स के? 7 ट्राइब्स के। अब तुम छोटी सी मेरे सवालों के जवाब देते रहो, मैं तुम्हें पूरी बात हाफ हिस्स कराऊंगा। देखो 7 ट्राइब्स एक तरफ हो गए, 5 ट्राइब्स एक तरफ हो गए, 7 ट्राइब्स अटैक करने लगे, तो अगर 60 ट्राइब हमला करेंगे तो मेजोरिटी ट्राइब्स क्या हो गए? असैसिन्स हो गए। तो मेजोरिटी ट्राइब्स जो है वो किलिंग के लिए हैं और 5 ट्राइब्स अलग हैं। पहले तो ये कि मेजोरिटी जो है वो असैसिनेशन के लिए विलिंग है, मेजोरिटी असैसिनेशन के लिए विलिंग है। लेकिन एक बात जो आपको पुरजोर तरीके से समझनी है वो ये कि ये जो 7 ट्राइब्स हैं या 12 ट्राइब्स हों, इनमें 3 ट्राइब्स ऐसे हैं जो 3 ट्राइब्स की ताकत सारे ट्राइब्स के बराबर है। जैसे मैंने आपको पहले भी मिसाल दी थी ना, अगर चाइना, रशिया और अमेरिका एक तरफ हो जाए तो बहुत बड़ी ताकत है। 3 ट्राइब्स कुरैश के ऐसे थे कि अगर वो एक तरफ हो जाए तो उनसे बाकी सारे कबीले मिलके भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। एक था बनु हाशिम, दूसरा था बनु उमैया और तीसरा था बनु मखजूम। ये जो 7 ट्राइब्स हैं इनको 7 नहीं काउंट करो, इनको 12 भी काउंट करो। उसकी वजह यह है कि इन 7 ट्राइब्स में तीनों मेजर ट्राइब्स शामिल हैं। बनु हाशिम का चीफ प्रॉफिट की असैसिनेशन में शामिल है दारुल नदवा में प्लान में, और ये कौन है? अबू लहब। बनु उमैया का चीफ हिंदा का बाप उतबा बिन रबिया इस असैसिनेशन के प्लान में मौजूद है, और प्लान सजेस्ट करने वाला आदमी ही थर्ड बिगेस्ट ट्राइब का जो है वो चीफ है, उसका नाम है अबू जहल। अबू जहल मखजूम से, बनु उमैया से उतबा बिन रबिया और बनु हाशिम से अबू लहब। जब तीनों ट्राइब्स एक तरफ हो गए, अगर असैसिन्स के नाम डिक्लेयर भी होंगे तो बाद में सारे कबीले भी मिलके इन ट्राइब से बदला क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि ये 3 ट्राइब सुपर पावर से, और जब ट्राइब का प्रोटेक्शन देने वाला ही गिल्टी होगा तो फिर ये चीज नलिफाई हो सकेगी। तो अब जरा प्लान और सुनना, पहले मैंने तुम्हें समझा दिया है असैसिनेशन का प्लान बनेगा, असैसिन्स भी नोन होंगे, कनिंग प्लान है, ही वाज सो क्लेवर अबू जहल। और उस क्लेवरनेस की इंतहा ये कि असैसिन के नाम डिक्लेयर भी हो जाए तो हमें कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। कैसे? अब मैं आपको समझाता हूँ। अबू जहल ने बोला, ये आ गया दे प्लान दारुल नदवा में, दे प्लान प्रॉफिट असैसिनेशन। बेटा इस आंसर में प्लान डिस्कस करना मैंडेटरी है, जरा गौर से सुनो क्या है प्लान। अबू जहल सेड वी विल टेक 1 मैन फ्रॉम ईच ट्राइब। 7 ट्राइब्स हैं, ठीक है, हर कबीले से एक एक आदमी लेंगे तो कितने आदमी हो जाएंगे? हर कबीले से अगर एक एक आदमी लेंगे तो कितने आदमी हो जाएंगे बेटा? 7 हो जाएंगे। किसी किसी कबीले नहीं, 7 ट्राइब्स हैं दीना बेटा, 7 ट्राइब्स के असैसिनेशन का प्लान बनाने, 5 ट्राइब्स में शामिल नहीं है। 7 ट्राइब्स के जो लोग हैं, हर ट्राइब से एक बंदा लेंगे तो 7 हो गए, किसी किसी ट्राइब से 2 बंदे भी लेंगे, तो ओवरऑल कितने आदमी बने? मेरे साथ बेटा ये स्टेटमेंट याद करनी है आपको, 11 मैन ऑफ 7 ट्राइब्स, बोलो 11 मैन ऑफ 7 ट्राइब्स, बोलो 11 मैन ऑफ 7 ट्राइब्स। ट्राइब 7 है और लोग 11 है। यहां पर अबू जहल प्लान सजेस्ट कर रहा है
that 11 men of 7 tribes will besiege Prophet's house. बेटा पांच बज गए हैं, जिसको जाना है वो चले जाए, मैं तो पढ़ाता रहूंगा, मैं तो टॉपिक खत्म करूंगा ना भाई। आप अगर घड़ी देख के आ रहे हो और जा रहे हो तो सर आपका मसला है, मुझे तो टॉपिक खत्म करना है सर, मेरी जिम्मेदारी है कुछ, आपसे ज्यादा कीमती वक्त मेरा है क्योंकि मेरी तो आगे भी बहुत सारी कमिटमेंट्स है रात 11 बजे तक। 11 men of 7 tribes will besiege Prophet's house during midnight. They will wait. Abu Jahl ka plan hai. And when Prophet will be in a deeper sleep, jaise raat ka jab wo waqt hoga jab log zyada nigahani neend mein hote hain, they will break into Prophet's house. Ek lafz aayega bada khaas isme. 11 men of 7 tribes during midnight, they will break into Prophet's house and they will kill Hazrat Muhammad peace upon him simultaneously. Ye jo word simultaneously hai, ye bahut zyada zaruri hai. They will kill Hazrat Muhammad peace upon him simultaneously. अब अगर 11 लोगों ने हजरत मोहम्मद सल्लम को असैसिनेट किया तो खून का इल्जाम अगर 11 लोगों पर आएगा, जल्दी से बताओ ये 11 लोग कितने ट्राइब्स के हैं? अगर खून का इल्जाम 11 लोगों पर आएगा तो 11 लोग कितने ट्राइब्स के हैं? 7। अगर 7 ट्राइब्स पर खून का इल्जाम आया तो फिर 5 ट्राइब मिलके इन 7 ट्राइब से बदला नहीं ले पाएंगे, बल्कि अगर सारे ट्राइब्स एक तरफ हो जाएं तो बनू हाशिम उमैया मखजूम से सारे मिलके भी एक साथ लड़ नहीं सकते। तो असैसिनेशन में इतने सारे ट्राइब्स गिल्टी हो जाएंगे कि फिर बाकी सारे ट्राइब्स अगर लड़ने आए तो पूरा मक्का ही जो है जंग में पड़ जाएगा, और यहाँ पर इतने सारे असैसिन जब होंगे और वो ट्राइब्स के हर हर ट्राइब को गिल्टी कराएगा ये, ताकि इस असैसिनेशन का बदला ही ना हो सके। वापस सुनो, 11 men of 7 tribes will break into Hazrat Muhammad peace upon his house, and breaking into Prophet's house they will kill Hazrat Muhammad peace upon him, क्या आगे क्या वर्ड आएगा? Breaking to Prophet's house, they will kill Hazrat Muhammad peace upon him, क्या word आएगा? ये word नाज़मी है, plan fail है इसके आगे। They will kill Hazrat Muhammad peace upon simultaneously. अगर एक साथ सब लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो शहीद किया या कत्ल किया तो खून का इल्जाम 11 लोगों पर आएगा। ये 11 लोग 7 ट्राइब से हैं, अगर 7 ट्राइब से खून का इल्जाम आया तो फिर अकेला ट्राइब बनू हाशिम इन सबसे बदला नहीं ले पाएगा। और सबसे बदला लेगा भी क्यों नहीं, क्योंकि बनू हाशिम का चीफ भी इस जो है वो असैसिनेशन प्लान में शामिल है। अबू जहल का प्लान बहुत मजबूत था, बहुत कनिंग और क्लेवर था, लेकिन सर अल्लाह की जात से ऊपर तो किसी की जात नहीं ना। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद को इन्फॉर्म किया अबाउट दिस पर्टिकुलर प्लान। अब एक गलती तुम करते हो, वो गलती बिल्कुल नहीं करनी है। स्टूडेंट सीखते हैं कि अल्लाह इन्फॉर्म प्रॉफिट अबाउट द प्लान विच इज मेंशन इन सूरह थ्रू द वर्स ऑफ सूरह अनफाल वर्स नंबर 13। नो, अल्लाह ने जिब्राइल के थ्रू प्रॉफिट को इन्फॉर्म किया दे आर अबाउट टू कम एंड किल यू, तो आपको इजाजत है मदीना माइग्रेट करने की। इसका जिक्र बाद में, ये मदीना की वर्स है सूरह अनफाल वर्स नंबर 13। अल्लाह ने ये जो अल्लाह रसूल पे एहसान किया इसका जिक्र अल्लाह ने बाद में किया था जो है सूरह अनफाल में। तो बेटा पॉइंट जरा गौर से सुना क्या लिखना है। Prophet was informed about the plan by Allah, which was later highlighted in Surah Anfal verse number 30. तो ये later highlight नहीं लिखा, तो इसका मतलब आपकी knowledge में lacking है। ये आयत उस वक्त नाजिल नहीं हुई है, ये अल्लाह ने inform कर दिया है जिब्राइल के through, ये आयत बाद में नाजिल कर दिया। अल्लाह ने एहसान जताया कि नबी आपको लोग मारने आए थे, मैंने आपको ऐसे बचाया। So when Allah informed Prophet about this particular plan, which was later highlighted in Surah Anfal verse number 30, the verses are: Remember how the unbelievers plotted against you to keep you in bound, to kill you, or to take you out of your home. They plotted and planned, Allah two plans, but the best of the planners is Allah. Allah ki zaat se zyada behtar kaun jo hai mansooba bana sakta hai. So Allah Pak ne Hazrat Muhammad ko ijazat de di hai, Prophet Abu Siddiq ko bata diya hai ki aaj raat ravangi hogi, but before Prophet Muhammad had gone outside his house, unfortunately, the people of Quraysh, they besieged Prophet's house. Yaad rahe, Prophet ka ghar chota sa hai, और प्रॉफिट के घर की एंट्रेंस और एग्जिट एक ही है, यानी कि पीछे कोई दरवाजा होगा। प्रॉफिट पियान ने अपने दोस्त अबू बकर सिद्दीक के अलावा एक और अजीजुल मुकरम साहबी को रोका था, जो आपके कजन आपके बेटे जैसे हैं, नाम है हजरत अली बिन अबू तालिब। अली के दो काम थे, नंबर वन हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु लोगों को बिलोंगिंग्स वापस करके जाएंगे, क्योंकि प्रॉफिट सादिक और अमीन है। प्रॉफिट पियान खुद बिलोंगिंग देने जा सकते, अगर प्रॉफिट बिलोंगिंग देने जाएंगे उमैया बिन खल्फ को लेकर, उमैया कहेगा कि जी आप बिलोंगिंग क्यों लेकर आए हैं, तो आप प्रॉफिट को जस्ट बताना पड़ेगा कि मैं माइग्रेट कर रहा हूँ, और ये लोग प्रॉफिट को वहीं पर जो है इम्प्रेजन करने की कोशिश करेंगे। तो प्रॉफिट खुद बिलोंगिंग्स वापस नहीं कर सकते, somebody has to, you know, somebody was given the task, that was Hazrat Ali। दूसरा ये भूल मत जाना, प्रॉफिट पैदल जा रहे हैं और बाद में ऊँटों पर, ये प्लेन्स का हेलीकॉप्टर्स का जो दौर नहीं है। तो अगर प्रॉफिट निकलेंगे, अगर विद इन एन आवर कुरैश को पता चल गया कि प्रॉफिट जो है वो रवाना हो चुके हैं, तो जो रास्ते में आगे लोग प्रॉफिट को गिरफ्तार कर सकते हैं। Somebody had to distract Quraysh throughout the night.
कई घंटों तक कुरैश को डिस्ट्रैक्ट करना है, और वो डिस्ट्रैक्शन के लिए प्रॉफिट ने हजरत अली को कहा कि अली आप मेरे बेड पर लेटे रहेंगे ताकि कुरैश को पूरी रात ये लगता रहे कि रसूलुल्लाह बिस्तर पर सो रहे हैं, जब तक कि हुजूर इतनी दूर ना निकल जाए कि अगर कुरैश बाद में पीछे आए भी तो प्रॉफिट या तो बहुत दूर चले जाए या किसी गार में छुप जाए, जो कि बाद में हुजूर गारे सौर में छुपे थे। तो अली के बड़े एहसान में से एक एहसान रसूलुल्लाह की सिर्फ खिदमत में से एक खिदमत ये है कि अली रजी अल्लाह तआला ने जो है उन्होंने प्रॉफिट की बिलोंगिंग वापस करके आपकी एक तासु जिम्मेदारी पूरी तो करवाई, लेकिन अली ने दुश्मनों को किया है डिस्ट्रैक्ट, और डिस्ट्रैक्ट करके ही प्रिटेंडेड टू बी प्रॉफिट पीस ऑन स्लीपिंग ऑन प्रॉफिट्स बेड, ताकि कुरैश को ये लगता रहे कि हुजूर सो रहे हैं, लेकिन हुजूर साहब उस वक्त तक जो है लंबे रास्ते में थे। So Quraysh besieged Prophet's house. They peeped into Prophet's house to see, oh, Prophet Muhammad is sleeping. A Prophet, when he is going to go into deeper sleep, will break into Prophet's house and will kill him simultaneously. A Prophet ki ghar mein intezar ho raha hai Quraysh ka bahar baith ke ki Prophet bhi unka achanak hamla karenge. Prophet ne Adali ko green dhalidar chadar di, belongings di. Adali ji ka ki you will work as a decoy. You are going to distract these Quraysh. Aur phir aapne baad mein ye belongings wapas karni hai. Hazrat Muhammad sahab ne Adali ko task assign kiya hai. Ab Prophet bahar kaise aayenge? और ये बात सूरह यासीन से साबित है जो मैं आपको बता रहा हूँ। हुजूर अलैहिस्सलाम अगर बाहर आएंगे तो जैसे ही प्रॉफिट बाहर आएंगे तो बाहर कौन बैठे? 11 men of 7 tribes. And the one they would see prophet, they will kill prophet simultaneously. ओए ओए, तो बड़ा मसला हो जाएगा। और प्रॉफिट का कोई बैक डोर भी मौजूद नहीं है। तो एक स्टोरी जो कच्ची स्टोरी है वो मुनासिब नहीं है, जो कि बुक्स ने लिखी है पर रिजेक्ट कर दी स्कॉलर्स ने, वो ये कि हजरत मोहम्मद सलम जब बाहर आए तो कुरैश हैड अ शॉर्ट नैप, उनको नींद आ गई और प्रॉफिट वहां से रवाना हुए। लेकिन ये बात कुरान के खिलाफ है और ये बात रिवायतों के खिलाफ है, ऐसा नहीं हुआ था। प्रॉफिट जब वहां से गुजरे हैं तो गुजरने पे क्या हुआ वो बात सुनना। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमीन से मिट्टी उठाई और मिट्टी उठा के प्रॉफिट ने सूरह यासीन की आयत नंबर 9 पढ़ी। नाउ प्रॉफिट इज अबाउट टू कम आउटसाइड हिज हाउस, और जैसे ही प्रॉफिट बाहर आएंगे वहां कौन है? 11 men of 7 tribes. प्रॉफिट पढ़ते हुए आ रहे हैं, वजअलना मिन बैन अयदीहिम सद्दा व मिन खल्फिहिम सद्दा फअग्शैनाहुम फहुम ला युबसिरून। ला युबसिरून बसर, बसारत कहते हैं देखने को, ला कहते हैं नो को, ला युबसिरून देख ना सके, ला युबसिरून उनकी बिनाई थी पर ना थी, वो देख ना सके। सो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया ये, ही वाज इंस्ट्रक्टेड बाय जिब्राइल अलैहिस्सलाम, प्रॉफिट पिक्ड अ हैंडफुल ऑफ द डस्ट फ्रॉम द ग्राउंड, एंड पिकिंग द हैंडफुल ऑफ द डस्ट फ्रॉम द ग्राउंड हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थ्रू दैट डस्ट इन द एयर, एंड व्हाइल ही वाज रिसाइटिंग वजअलना मिन बैन अयदीहिम सद्दा व मिन खल्फिहिम सद्दा फअग्शैनाहुम फहुम ला युबसिरून। The moment Prophet threw that dust saying La yubsirun towards their faces, the people of Quraysh, 11 men of 7 tribes, they became half blind. They could see, but they could not see. They could see everything, but they could not see Prophet Muhammad peace be upon him. Allah made them half blind. Unko sab nazar aate the, unko Allah ke Rasool nahi nazar aate the. Aur Hazrat Muhammad sahab unki aankhon ke samne se chale gaye, ye mauza tha Rasool ka. ये अल्लाह की तरफ से एक विल थी, अल्लाह ने इंस्ट्रक्शन दी, एंड व्हेन प्रॉफिट डिड दैट दे बिकेम हाफ ब्लाइंड। इस बारे में सूरह यासीन क्या कह रही है, जो मैंने आयत आपको पढ़ के सुनाई, हुजूर ने बोला वो आयत सुनो, ये याद करनी बेटा। वी पुट अ बार बिफोर देम एंड अ बार बिहाइंड देम, फर्दर वी कवर्ड देम अप सो दैट दे कैन नॉट सी। हमने उनकी आंखों के सामने एक पर्दा लगा दिया, उन्हें वादियां दिखती थी, पहाड़ दिखते थे, लोग आपस में एक दूसरे को, लेकिन उन्हें हुजूर नहीं दिखते थे। We put a bar before them. हमने उनके सामने एक पर्दा हाइल कर दिया। And a bar behind them. Further, we covered them up so that they cannot see. वजअलना मिन बैन अयदीहिम की मैं ट्रांसलेशन याद करा रहा हूँ, सूरह यासीन वर्स नंबर 9। मार्किंग स्कीम में मैंडेटरी है ये आयत लिखना। We put a bar before them. याद करके जैसे याद हो जाए बेटा भेज देना मुझे, ताकि मैं आगे बढ़ूँ, टॉपिक खत्म करना है, लोगों को बहुत जल्दी हो रही है। We put a bar before them and a bar behind them. Further, we covered them up so that they cannot see. We put a bar before them. And a bar behind them. Further, we covered them up so that they cannot see. Ayat to bhej do Muhammad Ehsan, baad mein copy kar lena yaar. Ayat to suna do. We put Surah Yasin ki ayat number 9. We put a bar before them and a bar behind them. Further, we covered them up so that they cannot see. Further, we covered them up so that they cannot see. So that they cannot see. पवड़ा वोर सिद्दीक के घर गए, वहां से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना की रोड की तरफ जा रहे हैं। कुरैश बैठे में कि प्रॉफिट व्हेन ही इज गोइंग टू बी इनटू अ डीपर स्लीप, हम प्रॉफिट के घर पे अटैक करके उनको साइमल्टेनियसली किल करेंगे। इससे पहले कि हुजूर इस्लाम के घर पे ये लोग हमला करते, प्रॉफिट तो जा चुके हैं। एक कुरैश का लड़का आया, उसने देखा 11 men of 7 tribes, they were surrounding prophet's house. उसने कुरैश से आगे पूछा, व्हाट यू गाइस आर डूइंग हियर?
They said that we are about to break into Prophet's house and we are going to kill Muhammad simultaneously. So shakhs ne bola, how would you kill Muhammad? I saw Muhammad with a person, Abu Bakr, and they were going from that particular road towards the city of Medina and the road towards Medina. So these people got shocked ki Muhammad to andar the, humne jhaank ke dekha, bistar pe so rahe the. The moment they went into Prophet's house, they saw what? Ki wahan samne Hazrat Ali maujood hain. Hazrat Ali ko giraftar kiya, Hazrat Ali ko ye Kaaba leke gaye. 3 din tak Hazrat Ali ko persecute kiya, ye poochne ke liye, bataiye Rasoolullah kahan hai, Hazrat Ali kyun jawab denge? Because he already knew ki Hazrat Ali pe takleefein aayengi aur Prophet aapko already tambi kar rahe the sabr karne ki. इस मामले में कुरैश ने फौरन से दाऊद नगर में एक और मीटिंग की और मीटिंग करने पे कुरैश ने डिसाइड किया कि whoever brings मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सिद्दीक डेड और अलाइव, whoever brings मोहम्मद और सिद्दीक डेड और अलाइव, दैट पर्सन इज गोइंग टू बी गिवन द रिवॉर्ड ऑफ 100 रेड कैमल्स ईच. 100 रेड कैमल्स की अगर मैं अमाउंट लगाऊं तो कम से कम 100 करोड़ बनती है अगर आज के दौर में आप अमाउंट लगाएं. मैं ये साबित करूंगा आपको दो टॉपिक के बाद. तो 100 रेड कैमल्स ईच का मतलब ये 200 रेड कैमल्स का इनाम अनाउंस हुआ. एवरीबॉडी स्टार्टेड सर्चिंग फॉर प्रॉफिट. इसके बाद क्या हुआ वो तो हमने नहीं लिखना ना, क्योंकि हमने आपसे बात की थी कि अगर कॉजेस का लेटर टू का आंसर होगा तो कॉजेस के मार्क्स ज्यादा हैं, इवेंट्स के मार्क्स कम हैं, आंसर खत्म होगा प्रॉफिट के डिपार्चर फ्रॉम मक्का पे. हुजूर डिपार्ट हो चुके, आंसर खत्म हो गया. अब आप पी टू कॉपी कर लीजिए. बस कॉपी हो गया तो क्लास यहाँ पर खत्म. कोई सवाल है तो जल्दी से पूछते हैं, क्योंकि मुझे तो आगे 5:30 बजे क्लास स्टार्ट करनी है. बट आई डोंट नो मैं कैसे पहुंचूंगा. जुम्मे को हम पूरे 3 बजे स्टार्ट कर लेंगे. जुम्मे की क्लास लंबी रखनी है हमने, उस दिन हम पूरे 2 सवा दो. क्योंकि मैंने पास पेपर छोड़ दिए आज के, पास पेपर मैं जुम्मे को पढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरे 2-3 पास पेपर हैं, फिर होमवर्क मुझे देना था. जी यू कैन लीव आफ्टर कॉपी. जी मैं वन ड्राइव पे कॉपी क्लास अपलोड कर दूंगा. चलो ठीक है, इसका मतलब सबको समझ में आ गया. चलो गुड हो गया, वेरी गुड. वो मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा इब्राहिम खैरी कि व्हाई कुडंट दे परसू प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. नहीं, यू हर्ड इट रॉन्ग. Jews आर नॉट मोर मुस्लिम्स देन अस. ऐसा कुछ भी नहीं है. वी आर मोर एंड वी आर द मोस्ट मुस्लिम्स. Jews आर नॉट मोर मुस्लिम्स देन अस. आई विल शो सम यू नो थिंग्स अबाउट Jews और कुरान की आयतें से जब आपको समझाऊंगा. जब अल्लाह कह रहे हैं कि उन्होंने जो है वो अपने दीन और तौहीद के साथ बर्बादी की, सो हाउ कुड बी दे बी मोर मुस्लिम्स देन अस. अगर ऐसा होता तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत मूसा के बाद ईसा क्यों आते, ईसा के बाद रसूल हजरत मोहम्मद क्यों आते. नाम एहरम हर वो शख्स होता है जिससे आपका निकाह हो सके. अब जैसे यही आप हो तो आपके लिए नाम एहरम कोई भी अजनबी, आपकी क्लास में जो और लड़कियां हैं वो नाम एहरम है, आपकी टीचर्स नाम एहरम है, और आपके मोहल्ले में जो खवातीन रहती हैं वो नाम एहरम है, और अल्लाह का भला करे आपकी कजन्स वगैरह नाम एहरम है. चलो बेटा मिलते हैं इंशाल्लाह फिर. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा. जुम्मे को मिलते हैं.